द लायन किंग एक 2019 के अमेरिकी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जो पारंपरिक रूप से एनिमेटेड उन्नीस सौ की फिल्म द लायन किंग का फोटो रियलिस्टिक एनिमेटेड रीमेक है ये जोन फेवर द्वारा निर्देशित और जैक ने द्वारा लिखित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और फेवरी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है फिल्म में डोनाल्ड लोवर जिसवन चिवेन एज एल्फ्रेड बिली आइसर जॉन कॉनी जॉन फ्लोरेंस कासुम्बा, एरिका आंद्रे किगन माइकल की एयर जैकी फैगदी सैदीस राइट जोसेफ वोएंसे नॉल कार्टर और जेम्स चार्ज जोंस हैं उन्नीस सौ चौरानवे की द लाइन किंग के रिमेक की योजना की पुष्टि स्तंभ दो हज़ार सोलह में द जंगल बुक दो हज़ार सोलह जैसे डिज्नी रिमेक की बॉक्स ऑफिस सफलता की बात की गई थी फेवरो ब्रॉडवे रूपांतरण के पात्रों के द कुछ भूमिकाओं से प्रेरित थे और मूल फिल्म की कहानी के तत्वों पर विकसित हुए मुख्य कलाकारों में से अधिकांश ने दो हज़ार सत्रह की शुरुआत में हस्ताक्षर किए और के फोटोग्राफी लॉस एंजल्स ने एक ब्लू स्क्रीन स्टेज पर दो हज़ार सत्रह के मध्य में शुरू की द जंगल बुक की स्नेमेटोग्राफी में उपयोग किए गए वर्चुअल रियलिटी टूल्स का उपयोग द लाइन किंग के फिल्मांकन के दौरान अधिक हद तक किया गया था संगीतकार हैंस जीमर और एल्टन जोन और गीतकार टीम राइस और नोस कार्टर के साथ स्कोर बनाने के लिए वापस आए जिन्होंने साउंड ट्रैक की पुनर्रचना के लिए जो उनकी सहायता की और फिल्म के एक नया गीत लिखा जिसका शीर्षक स्प्रेड था जिसे उन्होंने गाया भी था यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है साथ ही यह सबसे महंगी डिज्नी है लाइव एक्शन रीमेक है द लाइन किंग का प्रीमियर हॉलीवुड लॉस एंजल्स में नौ जुलाई दो हज़ार उन्नीस को हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नीस जुलाई दो हज़ार उन्नीस को डोल्बी सिनेमा और रियलिटी थ्री डी और आईमैक्स फिल्मों में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों सुनिश्चित समीक्षा मिली और कई लोगों की मौलिकता की कमी और मूल के भाग के समान होने की आलोचना की हालांकि इसे अपने नाटक के रन के दौरान दुनिया भर में डॉलर एक पॉइंट छः मिलियन ने अधिक से अधिक कमाई के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े जिसमें अगस्त दो हजार उन्नीस के बाद से अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बनाना भी शामिल है यह अब तक की साथ ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और दो तो हज़ार उन्नीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है साथ ही अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डिजनी प्रडप्टेशन हुई है इसे थिएटर में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और बानवे अकादमी पुरस्कार में भी नामांकित किया गया था दोनों की दृश्य प्रभावों के लिए मुफासा द किंग नामक एक प्रीक्वल फिल्म 20 सितंबर 2024 को रिलीज के लिए तैयार है इसका निर्देशन बैरी जैनकिंग करेंगे कथानक तंजानिया के प्राइड लैंड्स में शेरों का एक जुड़ पाइक रोक ने जानवरों के साम्राज्य पर राज करता है और राज मुफासा और रानी सराबी अपने नवजात बेटे सिम्बा को राफी की मैंट्रिल राज्य के जादूगर और सलाहकार के जरिए जानवरों के सामने पेश करते हैं मुफासा सिंबा को प्राइड लैंड्स दिखाता है और उसे राजतत्व के जिम्मेदारी और जीवन चक्र के बारे में समझाता है जो सभी जीवित चीज़ों को जोड़ता है मुफासा का छोटा भाई स्कार सिंहासन की लालसा रखता है और मुफासा सिम्बा से छुटकारा पाने की साजिश रचता है ताकि वह राजा बन सके एक दिन सिम्बा और उसका सबसे अच्छा दोस्त नाला एक हाथी कब्रिस्तान का, का पता लगाते हैं जावने के सेना जी के नेतृत्व में दबेदार लकड़बगों को एक समूह में पीछे किया जाता है मुफासा अपने मेजर डोमो और हार्नेबल जाजू से घटना के बारे में सुनता है और सावकों को बचाता है हालांकि सिम्बा द्वारा उसकी अवज्ञा करने और खुद को नाला को खतरे में डालने की वह नाराज है मुफासा उसे माफ़ कर देता है और समझाता है कि अतीत के महान राजा रात के आसमान में उन पर नज़र रखते हैं जहां वे एक दिन उन सीमा पर नज़र रखेगा इस विस्कार जिसकी पूरी योजना बनाई थी लकड़बगों से मिलने जाता है और उन्हें प्राइड लैंड्स में शिकार के अधिकार से बदले में वासा का उखाड़ फेंकने ने मदद करने के लिए मान लेता है कार मुफासा और सिंबा के लिए जाल बिछाता और सिंबा को एक घाटी में ले जाता और लकड़ बगो से जंगली जानवरों के एक बड़े झुंड को बगदड़ में भागने के लिए, के लिए कहता है जो इसे कुचल देती है और मुफासा को सिम्बा के खतरे के बारे में बताते हुए उसे इसके लिए मना लेता है और फिर वह सिम्बा की मौत उस इसके बजाय उसकी मौत में मुंह में धकेल देता है फिर वह सिम्बा को यह सोचने के प्रेरित करता है कि मुफासा की मौत उसकी गलती थी और उसे प्राइडलैंड छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए कहता है वह लकड़ब्गो को उसे मारने का आदेश देता है जिसके लिए सिम्बा बच निकलता है स्कार को बताता में और सिम्बा मारे गए और नए राजा के रूप में आगे बढ़ता जिससे लकड़बगो को प्राइडलैंड में रहने की अनुमति मिलती है दो निर्वासी टीमन और कुम्बा एक मैम और वार्थिंग सिम्बा को बचाते हैं जो रेगिस्तान में गिर जाता है सिम्बा अपने दो नए दोस्तों और अन्य जानवरों के साथ नखलस्तान में बड़ा होता है और कोनामा टाटा स्वाहिली में कोई चिंता नहीं के आदर्श वाक्य के तहत एक लापरा जीवन जीता बड़ा हुआ सिम्बा टिमोन और पुम्बा को भूखी सेरनी से बचाता है जो नाना निकलती है और वह सिम्बा फिर से मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं वह उसे घर लौटने का आग्रह करती है और उसे बताती है कि इस कार के शासन से पैलैंड सूखे के त्रस्त और बंजर भूमि बन गए हैं मुफासा की मौत के कारण बनने के अपराध बौद्ध से सिम्बा मना कर देता है और भाग जाता है फिर उनकी मुलाकात राफिकी से होती है जो उसे बताता है कि मुफाजा की आत्मा सिम्बा में ही रहती है और सिम्बा को रात के आसमान में मुफाजा को बहुत दिखाई देता है जो उसे कहता है कि उसे राजा के रूप में अपनी सही स्थान लेना चाहिए यह महसूस करते हुए कि वह लंबे समय से, से अपने अतीत से भाग रहा था सिम्बा प्राइड लैंड से लौटने का फैसला करता है अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड बुक पर लकड़बगो से छिप आगे बढ़ता है जो उस कार का सामना करता है और शराबी से लड़ने का लड़ने वाला था कार मुफासा की मौत से उसकी भूमिका के बारे में सिम्बा को ताना मारता है और उसे चट्टान के किनारे पर ले जाता है जहां में उसे बताता है कि उसे मुफासा को मारा है और क्रोधित होकर सिम्बा बाकी प्राइड को सच बताता है कार खुद का बचाव करने का प्रयास करता है लेकिन मुफासा के अंतिम क्षण के बारे में उसका ज्ञान पर दावा करने के बावजूद उनकी वह घाटी में बहुत देर से पहुंचा था मुफास की मौत में उसकी भूमिका को उजागर करता है टिमोन पुम्बा और रफी की जाजू और शेर लकड़बगो को भगाते हैं जबकि इस कार भगाने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक के शीर्ष के एक पास के कागार पर फंस जाता है वह इस कार दया की भीख मांगता है और अपने अपराधों का दोष और लकड़बग पर डालने का प्रयास करता है सिम्बा उसकी जान बख्श देता है लेकिन उसे प्राइलैंड को हमेशा के लिए छोड़ने का आदेश देता है स्कार को मना कर देते हैं और सिम्बा पर हमला करता है लेकिन सिम्बा उसे एक छोटी सी लड़ाई के बाद चट्टान से नीचे एक फेंक देता है स्कार गिरने से बच जाता है लेकिन लकड़बग्घा द्वारा हमला कर उसे मार डाला जाता है क्योंकि वह इसे धोखा देने की कोशिश करने करते हुए सुन लेते हैं इसके बाद सिम्बा राजगद्दी संभाल लेता है नाला को अपनी डाल देता है लैंड्स को उसकी सामान्य स्थिति में बहाल करने के बाद राफी की सीमा और नाला के नवजात शावक को एकत्रित जानवरों के समक्ष प्रस्तुत करता है जिससे जीवन चक्र जारी रहता है का दौरा करने और शेट्टानी को इस बहाने से पकड़ने के लिए मना लिया कि यह जोड़ एक बेहतर बायोपिक बनाएगा गाँव में सीजर ने रचना रत्ना को आदिवासियों को रिहा करने के बदले में शेट्टानी को पकड़ने का वादा किया ग्रामीणों ने बताया कि उनकी संस्कृति में हाथियों का क्या महत्व है और कैसे वे शिकारियों के कारण जंगलों से खरा गायब हो रहे हैं सीजर और आदिवासियों ने चट्टानी गिरोह के हमले को विफल कर दिया और उन्हें मार डाला बचे हुए सदस्यों को पकड़ लिया जाता है और शैतानी के ठिकाने का खुलासा किया जाता है सीजर चट्टानी का सामना करता है जो हाथियों का शिकार कर रहा है और लगभग मारा जाता है कि रूबाकरण का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह सीजर के शरीर को इलाज के लिए गाँव ले जाकर उसे बचाता है स्वस्थ होने पर सीजर शेटानी से फिर से लड़ता है और उसे पकड़ लेता है वह उसे सिंगनी रानी की उपस्थिति में पुलिस को सौंप देता है जो उसके आग्रह पर आती है कि शेट्टिनी को सौंप दिया जाएगा कैदियों के रिहा होने पर ग्रामीण जश्न मनाते हैं और किरूपाकरण स्थानीय आदिवासी पिंगिली से शादी कर लेते हैं अब जब लंबे समय से प्रतीक्षित शांति आ गई सीजर और किरूपाकरण यह देखकर हैरान है कि शेटानी अभी भी हाथियों का शिकार कर रहा है शेट्टानी ने खुलासा किया कि यह सीएम के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने वर्षों से उसका पालन पोषण किया है हालांकि वह दो बिजनेस टाइकून की ओर से हाथी दांत की तस्करी कर सके उन्होंने रानी को प्रधानमंत्री के माध्यम से पैरवी शेट्टानी ने यह भी खुलासा किया कि अधिकारियों ने सीजर को असली शेट्टानी के रूप में लेबल करने और अंततः एक पुलिस ऑपरेशन में जनजाति का सफाया करने की योजना बनाई गोलीबारी में सीजर और मले आरासी सहित सभी ग्रामीणों की मौत हो जाती है नरसंहार का फिल्मांकन करने वाला किरूबाकरण पिंगिली और सीजर के साथ भागने की कोशिश करता है नवजात बच्चा लेकिन फायरिंग में उन्हें गोली लग गई जया कोड़ी को अगला सीएम उम्मीदवार माना जा रहा है और करमेगाम को कैबिनेट से हटा दिया गया है करमेगाम जो किरूबाकरन के फुटेज के टेप को सुरक्षित करने का प्रबंधन करता है सीजर श्रद्धांजलि के रूप में से एक खचाखच भरे थिएटर में चलाता है जहां की फिल्म चलनी थी। दर्शक सीजर के बारे में सीखते हैं जीवन और आदिवासियों का सरकार के नेतृत्व में नरसंहार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू आदिवासियों का नरसंहार केंद्र सरकार में ऊपर तक पहुंच गया है अंतिम उपाय के रूप में सीएम रत्न और उसके लोगों को थिएटर में कर्मे को मारने के लिए भेजता है लेकिन रत्ना के रूबाकरण को देखकर चौंक जाता है जो वास्तव में जीवित है पिंगिली और सीजर के साथ नवजात पुत्र के रूपाकरण ने रत्ना को मार डाला जबकि कर्मेगाम और उसके सहयोगियों ने उसके लोगों को खत्म कर दिया मध्य क्रेडिट दृश्य में कि रूपाकरण मलया राशि और सीजर के साथ रहने के लिए घर लौटता है बेटा जहाँ पिंगिली और के रूपाकरण ने उसका नाम सेतु रखा है मल्याराशि की देवी सेतु काली अम्मा की मुन्नत के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति गुप्त रूप से पिंगली और सेतु का पीछा करता है जहाँ वह कार में बैठे अन्य व्यक्ति से कहता है कि वे सीजर के अंतिम शेष सदस्य को खत्म कर देंगे उत्पादन विकास और कास्टिंग अप्रैल 2022 की शुरुआत में यह बताया गया कि कार्तिक सुब्बाराज अपनी पत्नी फिल्म के सिक्वल पर काम शुरू करने जा रहे हैं जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा आगे बताया गया कि इसे सुभाषकरण अले राजा द्वारा लाइका प्रोडक्शंस के तहत वित्त पोषित किया गया था राघव लॉरेंस मुख्य भूमिकाओं में से एक होंगे जबकि बॉबी सिमा होंगे मूल फिल्म से उनकी भूमिका को फिर से दोहराएं। एक अगस्त को जिगर ठंडा की रिलीज के आठ साल पूरे हो गए हैं परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई अस्थायी शीर्षक जिगर ठंडा दो है जो सूर्या को फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म में एक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी संतोष नारायणन को संगीतकार के रूप में चुना गया जिन्होंने जिगर ठंडा में भी संगीत दिया था इकतीस अगस्त को विनयगर चतुर्थी पर सुब्बाज ने साझा किया कि जिगर ठंडा का प्री प्रोडक्शन जिगर ठंडा डबल एक्स की घोषणा एक प्रचार वीडियो के साथ की गई ग्यारह दिसंबर को शीर्षक पर काम किया गया था शफीक मोहम्मद अली फिल्म के संपादक के रूप में शामिल हुए मरकरी और पेट्टा ने किया जो इससे पहले सुब्बाराज की तिरु सहांकन का संचालन उन्होंने आगे कहा कि फ़िल्म का अपने पूर्ववर्ती से कोई संबंध नहीं होगा और इसमें एक ताज़ा कथा शुरू हो गई है फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी बारह दिसंबर 2022 को मदुरई में शुरू हुई फ़िल्मांकन केरल और तमिलनाडु के विदेशी स्थानों में हुआ जुलाई 2023 में समाप्ति फिल्मांकन डिजिटल रूप से निर्मित फिल्म में दिखाई देते हैं क्लिंटी स्टूड अभिनेता का अभ्यास किया सिल्बा उनके लड़ाई दृश्यों को फिल्माते समय अभिनेता विदू जिन्होंने उनमें से एक का किरदार निभाया था प्रतिपक्षी सट्टानी को एक जानवर की तरह लड़ने के लिए कहा गया था और उन्होंने इसके लिए जिमनास्टिक और के पास एक सेट बनाया गया था जहाँ फिल्म के प्रमुख हिस्से फिल्माए गए कोड़ाई कनाल थांडी कुड़ी फिल्म की सेटिंग से मेल खाने के लिए कई व्यापक सेट बनाए गए तमिल गार्जियन के कृष्णा सेल्ब फिल्म ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और कहा सुब्बा राज ने शायद अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी है फिल्म हर विभाग में अपनी पहली किश्त से बेहतर है पिंकवेला ने पाँच में से चार स्टार दी और लिखा जिगर ठंडा डबल एक्स सिनेमाघरों में अवश्य देखी जानी चाहिए यह उत्कृष्ट लेखन प्रदर्शन संगीत और छायांकन के साथ एक संपूर्ण सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है अत्यधिक रन टाइम के बावजूद फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को संतुष्ट करेगी पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा कार्तिक सुब्बाराज समाज के प्रति सिनेमा की जिम्मेदारी को उजागर करते हुए गतिशील दृश्यों को और मजबूत प्रदर्शन के साथ एक आकर्षक सिनेमाई अनुभव प्रदान करते हैं जिंदगी द इंडियन एक्सप्रेस के के रू पुरुषोत्तम ने दिया पाँच में से साढ़े तीन और लिखा कार्तिक सुब्बा राज की फिल्म एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है यह सभी का जैक और एक का राजा है बेहद मनोरंजक मैटा सिनेमा जन्नी के इंडिया टुडे ने पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा जिगर ठंडा डबल एक्स जो अब तक की उनकी सबसे राजनीतिक और हृदय स्पर्शी फिल्म बन गई है और वास्तव में जिगर ठंडा का डबल एक्स एस वेस्टर्न की आत्मा और जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बा राज की सबसे दिल छू लेने वाली फिल्म है राघव लॉरेंस और एस जे सूर्य अभिनीत कार्तिक सुब्बा राज की पांड्या वेस्टर्न फिल्म 2014 तो की जिगर ठंडा डबल एक्स ने लिखा द हिंदू के भुवनेश चंद्र थोड़ी पश्चिमी फिल्म है लेकिन काउबाई की बजाय हमारे पास स्थानीय गैंगस्टर हैं उनकी पसंद का हथियार चाहे वह कैमरा हो या बंदूक जिगर थंडा डबल एक्स की प्रियंका सुंदर पाँच में से तीन स्टार दी और लिखा फर्स्ट पोस्ट को दोहराने की कोशिश करता है थोड़ा लेकिन कम रह जाता है उस उपलब्धि को हासिल करने का जिगर ठंडा ईमानदारी से जिगर ठंडा डबल एक्स ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कार्तिक सुब्बाराज एक बार फिर सिनेमा की प्रभावशाली शक्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मजबूत इरादों और एड्रेनालाइन पंपिंग क्षणों के बावजूद कथा हार जाती है मध्यांतर के बाद उसकी एकजुटता अंत में टाइम्स ऑफ इंडिया कार्तिक सुब्बाराज के अब तक के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है और फिल्म निर्माता को वापस फॉर्म में देख वाकई खुश हो रही है द विक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने पाँच में से दो स्टार दिए और लिखा दूसरी किस्त भी एक गैंगस्टर के साथ फिल्म निर्माण के इर्द गिर्द विकसित होती है यदि अपने जिगर ठंडा का पहला अध्याय देखा है और सुब्बा राज के कुछ बड़ी उम्मीद की है तो आपको निराशा होने की संभावना है द न्यूज मिंट के भारती सिंगार वेल ने लिखा जिगर धंडा डबल एक्स कार्तिक के राजनीतिक विचारों की एक पीड़ादायक घोषणा है जो लगभग तीन घंटे लंबी है जिसमें फिल्म निर्माण के उनके पुराने ब्रांड के कुछ तत्व अभी भी शामिल हैं यदि कार्तिक सुब्बा राज का मानना है कि सिनेमा राजनीतिक परिवर्तन का एक साधन है तो उन्हें सतह इशारों की तुलना में इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है जो कुछ तालियां बटोर सकते हैं क्लेंट ईस्टवुड ने अपनी चल रही प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद फिल्म देखने की इच्छा व्यक्त की राघव लॉरेंस जन लॉरेंस मुरगैया एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर निर्देशक और अभिनेता हैं जिन्हें इसके लिए जाना जाता है उनका काम मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में है उन्नीस में एक नृत्य कोरियोग्राफर के रूप में अपनी शुरुआत करने के बाद उन्होंने अभिनय के अवसरों की तलाश शुरू कर दी उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत उन्नीस में एक तेलुगु फिल्म से की उन्होंने राघव नाम अपनाया दो में और अपने पूरे करियर में तमिल सिनेमा में कई प्रमुख अभिनेताओं और निर्देशकों के लिए काम किया उन्हें सफलता तेलुगु फिल्म स्टाइल और फिलमुनि से मिली लॉरेंस को उनके जटिल हिप हॉप और पश्चिम डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है 2015 में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद पी जे अब्दुल कलाम लॉरेंस ने उनके नाम पर एक चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना की और रुपये एक करोड़ दान किया प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि लॉरेंस का जन्म तमिल भाषी ईसाई परिवार में हुआ था मुर्गैया और कनमुनी का परिवार लॉरेंस जब बच्चा था तो उसे ब्रेन ट्यूमर था। वह अपने ट्यूमर के ठीक होने का श्रेय देवता राघवेंद्र स्वामी और एक कार्य में भक्ति राघव नाम लिया करियर प्रारंभिक करियर उन्नीस से दो वह फाइट मास्टर सुपर सुबर नारायण के लिए कार क्लीनर के रूप में काम कर रहा था नृत्य दृश्यों में भी दिखाई दिए 2001 में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया पार्थले पर वसम ने उन्हें अपनी सौवीं फिल्म के बालचंद्र निर्देशक दो हजार पार्थेन रसीथेन प्रशांत और उन्नाई कोडू एन्नाई थारूवेन एन। अजीत कुमार इसके बाद उन्होंने तमिल में वह फिल्म फ्लॉप रही थी उन्नीस सौ निन्यानवे में नायक की भूमिका की पेशकश की स्पीड डांसर निर्माता टी वी डी प्रसाद ने उन्हें अपने उद्यम उन्नीस सौ सत्तानवे के लिए नृत्य कोरियोग्राफ करने के लिए कहा मास्टर उन्नीस सौ के लिए नृत्य कोरियोग्राफ करने का काम किया लॉरेंस के काम से प्रसन्न होकर चिरंजीवी ने उन्हें अपनी अगली फिल्म हिटलर ने उन्हें चिरंजीवी अल्लारी प्रियुडू और उन्नीस सौ तिरानवे मैस्थरी वह उन्नीस सौ के गाने चिक्कू बुक्कू चिक्कू बुक्कू रैली में बैकग्राउंड डांसर थे जेंटल मैन प्रभुदेवा में दिखाई दिए डोंगा पुलिस के गाने में दिखाई दिए फिर वह उन्नीस में संसार संगीतम लॉरेंस पहली बार उन्नीस सौ उनासी में टी राजेंद्रन द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म ने उन्हें डांस करते देखा और डांसर्स यूनियन में शामिल होने में उनकी मदद की करियर स्थापित करना 2002 से 2010 उन्होंने अर्पदम दो 2002 के साथ तमिल में पहली मुख्य भूमिका निभाई जैसा कि समीक्षा साइफ़ी द्वारा बताया गया है इस पंक्ति में नवीनतम लॉरेंस है जो अपने पूर्ववर्ती प्रभुदेवा की तरह हीरो बनने के लिए कृत संकल्प है अपूर्तम की पटकथा अच्छी है और लॉरेंस एनिया है, है इसके बाद शैली 2002 उन्होंने तमिल फिल्म थिरुमलई में विजय के साथ अतिथि भूमिका भी निभाई फिल्म थिएट्रल में अतिथि भूमिका के बाद उन्होंने तेलुगु में अपनी पहली फिल्म मास फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही ज्योतिका और नागार्जुन बाद में उन्होंने स्टाइल 2006 का निर्देशन और अभिनय किया जिसमें प्रभु देवा प्रभु देवा के साथ सह अभिनय किया को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया इरुम्बु कुकोटई मोरट्टू सिंगम और थी राजा जबकि को माध्यम सफलता मिली पंडी इरुम्बम कोटई सिंगम सहित मोराटू सिंगम और राजाधी राजा, राजा जबकि को मध्यम सफलता मिली पंडी इमकुटी मोराटू सिंगम और राजाधी राजा पंडी राघव ने अलग अलग श्रेणियों की फिल्मों में काम करना जारी रखा जैसे कि अभिनय किया राघव ने दूसरी भूमिकाओं में अभिनय किया और केवल शैली और तकनीकी पहलुओं के आधार पर फिल्म बनाई फिल्म को औसत प्रतिक्रिया मिली अनुष्का शेट्टी और नागार्जुन 2007 का निर्देशन किया फिल्म में डॉन इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म से मिली जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी मुनि शामिल है भूमिकाएं उन्हें अपनी सफलता चिरंजीवी और नागार्जुन और अतिथि में बाद का करियर 2011 से वर्तमान वह श्रृंखला लेता है मुनि में कंचना 2011 हज़ार सारद कुमार मुख्य भूमिका में है फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म रिबेल प्रभास और तमन्ना उन्होंने कंचना दो में अभिनय किया 2017 में उन्होंने एक, एक एक्शन मसाला फिल्म मोटा शिवा केट्टा शिवा में अभिनय किया साइफी ने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया बेवकूफ जोरदार और बिना दिमाग वाला फिर हॉरर शैली का एक और शिवलिंग एक कन्नड़ समान नाम वाली भाषा पी द्वारा निर्देशित वासु निर्देशक के बेटे शक्ति वासुदेवन ने भी दो संस्करणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कहानी एक पुलिसकर्मी की है जो एक मुस्लिम की संदिग्ध मौत की जांच कर रहा है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पर उस युवक का भूत सवार हो गया है 10 नवंबर 2023 को फिल्म जिगर ठंडा डबल एक्स जिसमें अभिनेता राघव लॉरेंस और एस जे सूर्या मुख्य भूमिका में थे रिलीज हुई मूल फिल्म की अगली कड़ी जिगर ठंडा। सामाजिक कार्य उन्होंने कई सामाजिक सेवा गतिविधियाँ की जिनमें उन्हें छोटे बच्चे की कई हृदय शिल्प चिकित्सा में सहायता की वह बैल सवारी खेल के समर्थकों में से एक थे जल्दी कट्टू के बाद 2017 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जनवरी 2017 में तमिलनाडु में एक विरोधी के प्रदर्शन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भोजन दवा और बुनियादी जरूरतें प्रदान की और तब तक उनका समर्थन करने का वादा किया विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा पिनाराई विजयन केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कोष के रूप में एक करोड़ रुपए दान करेंगे सेलवा राज जस्टिन पांडियन को उनके स्टेज नाम एस से जाना जाता है जय सूर्या एक भारतीय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक अभिनेता संगीतकार निर्माता और संगीत निर्देशक हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा वसंत और सभापति की सहायता की सूर्या ने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस में वाली से की जिसकी सफलता ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कुशी नया शामिल है अम्बे आरू येरे और ईसाई उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत न्यू से की और कलवानीन कदली थिरुमगन व्यापारी और स्पाइडर मर्सल में प्रतिपक्षी के रूप में दिखाई दिए फिल्मी करियर उन्नीस से प्रारंभिक करियर और सफलता अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्म स्थान के पास वासुदेवन लूर पुलियागुंडी तमिलनाडु सूर्यायक पूरा करने के लिए चेन्नई चले गए लोयला कॉलेज से भौतिकी की डिग्री मदुरे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कुछ सफलता पाने की उम्मीद के साथ चेन्नई में ही रुके रहे तमिल फिल्मों के एक अभिनेता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने के के तहत प्रशिक्षु का प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले होटलों में और एक प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू कर दिया भाग्य राज बाद में उन्होंने वसंत और सुंदर पुरुष उन्नीस सभापति के अंतर्गत जबकि उन्हें एक अभिनेता के रूप में विशेष रूप से भारतीय राजा एस के झाकू चीमा येले उन्नीस सौ तिरानवे उल्लासम उन्नीस सौ सत्तानवे की टीम में काम करते हुए फिल्म के मुख्य अभिनेता अजीत कुमार ने सूर्या को आसाई में उनके सहयोग से पहचाना और एक स्क्रिप्ट के लिए कथन सुनना स्वीकार किया कथन से प्रभावित होकर अजीत ने बाद में एस से संपर्क करने में मदद की एस चक्रवर्ती ने फिल्म का निर्माण किया और टीम ने उन्नीस सौ सत्तानवे के अंत वाली उन्नीस सौ निन्यानवे पर काम शुरू कर दिया नया नौ जुलाई 2004 को मिश्रित समीक्षाओं के साथ जारी किया गया है तो हिंदू के आलोचक ने दावा किया कि एक ऐसी शैली से संबंधित जो हमारे सिनेमा के लिए दुर्लभ है नहीं हालांकि उगल और देवर्थी गीतों के दलदल दल में फंस जाती है लेकिन संकेत दिया गया संभावित सफलता का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्देशक लगता है कि उसके ठीक निशाने पर लगा दिया है बाद में यह फिल्म एक सफल फिल्म बन गई ब्लॉकबस्टर संगीत ए द्वारा आर रहमान को फिल्म के सबसे बड़े बिक्री बिंदुओं में से एक के रूप में लेबल किया जा रहा है नानी को अगले महीने समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म खराब स्क्रिप्ट और कृत्रिमता से ग्रस्त है फिल्म के वयस्क विषय पर विवाद उत्पन्न हुआ और रिलीज के बाद तमिलनाडु राज्य में महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया रिलीज़ के बाद एक फ़िल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई जिसके बारे में उनका कहना है कि इसमें अश्लील सेक्स दृश्य थे सूर्या ने दावा करते हुए जवाब दिया कि सेक्स दृश्य इसलिए हैं क्योंकि कहानी के लिए उनकी आवश्यकता है और उन्होंने अपनी फिल्म को सेक्स और कॉमेडी से भरपूर काल्पनिक बताया अगस्त 2005 में मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म के लिए सेंसर प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और चेन्नई के पुलिस आयुक्त को सूर्या के ख़िलाफ़ दर्ज दो आपराधिक शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया यह फैसला सुनाते हुए कि फिल्म स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान नहीं करती है और यदि यह फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को रद्द नहीं करता है यह दावा करते हुए कि इसे मूल रूप से ए प्राप्त हुआ है तो वह अपने कर्तव्य में असफल होगा प्रमाण पत्र संदिग्ध परिस्थितियों में सूर्या को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान गुस्से में सेंसर बोर्ड की एक महिला अधिकारी का मोबाइल फेंकने के आरोप में शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बाद में उन्हें बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया मार्च 2006 में एक और मामला शुरू किया गया जिसमें सेंसर बोर्ड ने ख़िलाफ़ दर्ज की फिल्म से हटाए गए दृश्यों के चित्रों का उपयोग करने के लिए एक पोस्टर के साथ जिसमें सूर्य को सिमरन की दरार की सतह पर आराम करते हुए दिखाया गया था में बाद में रिहा होने से पहले दूसरी बार गिरफ्तार किया गया उन्होंने न्यू की रिलीज़ के तुरंत बाद 2004 में ईसाई नामक एक फिल्म की घोषणा की ईसाई जबकि नामक दो अन्य उद्यमों के लिए भी सहयोग करेंगे ए जुम जाई बनाम चित्रा और अनबुल्ला नान बाने ए आर रहमान जब उसने खुलासा किया कि अनबुल्ला नानबाने को बेस्ट फ्रेंड शीर्षक अनबे आरू 2005 दो को अंतिम रूप दिए जाने से पहले खुद को फिर से मुख्य भूमिका में दिखाते हुए उन्होंने फ़िल्म के लिए नवागंतुक मीरा चोपड़ा को साइन किया और स्टेज नाम नीला के तहत उनका नाम बदल दिया उन्होंने खुलासा किया कि वह यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए थे ताकि यह बताया जा सके कि युवा प्रेमियों को एक दूसरे को जगह देनी चाहिए और वह यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय युवाओं का रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण पिछले दशक से बदल रहा है उन्होंने फिल्म को खुशी का सीक्वल बताया जिससे पता चला कि फिल्म की मुख्य भूमिका अभिनेताओं के बीच इसी तरह का अहंकार टकराव होगा जैसे नया सेंसर बोर्ड द्वारा कई कट्स पर जोर देने के कारण फिल्म को रिलीज से पहले बाधाओं का सामना करना पड़ा और सूर्या के चल रहे कानूनी झगड़े के कारण फिल्म में देरी हुई फिल्म को सितंबर 2005 में मिश्रित समीक्षाएं मिली साइफी डॉट कॉम ने इसे वयस्क मनोरंजन का लेबल दिया हालांकि उन्होंने आगे कहा वह अपने किरदार शिव को जीवंत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन संवाद अदायगी और आवाज़ मॉड्यूलेशन के मामले में उन्हें मीलों चलना पड़ता है लेकिन नृत्य के मोर्चे पर उन्होंने काफ़ी सुधार किया है यह फिल्म तमिल फिल्मों में उनकी लगातार चौथी व्यावसायिक सफलता बन गई जिसमें सूर्या विवादों से उबलने में मदद करने के लिए अपने दल को धन्यवाद देने पर अड़े रहे और उस पर टीम प्रयास का लेबल लगाया सूर्या ने एक निर्देशकीय उद्धम एम एजुजुमाई एजुमाझाई बनाम चित्रा पर प्रोडक्शन का काम शुरू किया जो कि सिलंबर आसन और आसन जनवरी 2005 में और टीम ने एक प्रमोशनल फोटोशूट से ली गई तस्वीरें जारी की हालांकि फिल्म जिसका निर्माण एस द्वारा किया जाना था एस चक्रवर्ती अंततः विकास करने में विफल रहे और इसमें शामिल लोग अलग अलग उद्यमों में चले गए इसके बाद सूर्या ने पुली नामक एक उद्यम पर काम शुरू किया जो एक पुलिस थ्रिलर थी जिसमें मुख्य भूमिका में अनवोदय अप्पाचन निर्माता होंगे 2005 के अंत में रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि असिन प्रमुख महिला भूमिका निभाएंगी जबकि सूर्या ने एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ साथ इस परियोजना को विकसित किया हालांकि 2006 की शुरुआत में सूर्या द्वारा स्क्रिप्ट में बदलाव करने से इनकार करने के बाद विजय इस परियोजना से बाहर हो गए जनवरी 2006 में ईसाई के वापस आने की सूचना मिली थी या तो इसके साथ चल रहा है 2007 से 2015 करियर में उतार चढ़ाव न्यू और अनबे आरू यरे के साथ उनके अभिनय को मिले सकारात्मक स्वागत के बाद सूर्या ने निर्देशन से ब्रेक लेने का फैसला किया और अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय करने का विकल्प चुना उन्हें तमिल वन की कॉमेडी कल्वानीन कथली 2006 में नयनतारा के साथ कैसनोवा की भूमिका में लिया गया था बियाबारी दो हजार में मुख्य अभिनेता के रूप में संक्षिप्त वापसी की जिसे अच्छी समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत प्रदर्शन किया न्यूटोन मोन ड्रम विधि उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नामक एक और चल रहे उद्यम को बंद करने के लिए प्रेरित किया और सूर्या ने निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया पांडे गई दोनों फिल्मों की असफलता में उनके प्रदर्शन के लिए थिरुमगन इसी तरह आलोचकों ने कहा कि वह सिर्फ एक सीमित अभिनेता हैं जो केवल पहले भाग में सहजता से चलते हैं वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में किया था सूर्या को एक व्यवसाय के रूप में लिया गया था जो अपने परिवार की देखभाल करने और दोनों भूमिकाएं निभाने के लिए खुद का एक क्लोन बनाता है सूर्या के प्रदर्शन को के रूप में वर्णित किया गया था अपमानजनक चरम पर और जोर से और वादी वेलू नमिता तमन्ना पहली रिलीज है कि साइंस फिक्शन कॉमेडी शक्ति चिदम्बरम उन्होंने 2007 में अभिनेता के रूप में दो रिलीज हुई अंततः इसे औसत समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया सूर्या ने घोषणा की कि वह अपने निर्देशन वाली फिल्म पुली पर फिर से काम शुरू करेंगे लेकिन इसके बजाय से एक तेलुगु फिल्म के रूप में बनाएंगे और पवन कल्याण मुख्य भूमिका निभाएंगे सिंह नमाला रमेश द्वारा निर्मित व ए पर हस्ताक्षर किए गए आर रहमान ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि नवागंतुक निकेशा पटेल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया अभिनेत्री फिल्म को बनने में करीब तीन साल लगे और नियमित अंतराल पर देरी का सामना करना पड़ा फिल्म आखिरकार सितंबर 2010 में रिलीज़ हुई और इसे नकारात्मक समीक्षा मिली आलोचकों से साइफ़ी डॉट कॉम के एक समीक्षक ने कहा फिल्म के साथ मुख्य समस्या यह है कि इसमें कोई विश्वसनीय कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है 2016 से वर्तमान हालिया कार्य और वापसी सफलता 2016 में सूर्या ने ड्रामा फिल्म ए में अभिनय किया एक शराबी और अपमानजनक निर्देशक के रूप में उनके प्रदर्शन को आलोचकों और दर्शकों दोनों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था बाद में सूर्या ने दो फिल्में साइन की और उनमें अभिनय किया स्पाइडर एक दिभाषी और मार्शल दोनों फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई जिगर ठंडा डबल एक्स 2023 भारतीय है तमिल भाषा एक्शन ड्रामा फिल्म लिखित तो और निर्देशित कार्तिक सुब्बाराज और संयुक्त रूप से उनके द्वारा निर्मित कार्तिकेन संथानम एस आई कथी जैसन और अलंकार पांडियन स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशंस और इनवेनियो ऑरिजन के तहत यह फिल्म आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और पूर्व कड़ी है ठंडा और सितारे राघव लॉरेंस एस सूर्य और निमिषा रसन 1970 के दशक में स्थापित यह एक आगामी पुलिसकर्मी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक फिल्म निर्माता के रूप में गुप्त रूप से जाकर एक गैंगस्टर को मारने की कोशिश कर रहा है फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त दो में स्थायी शीर्षक जगर ठंडा दो के साथ की गई थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने मदुरे में शुरू हुई और उसके बाद शेड्यूल बनाया गया संचालित और संपादन शफीक मोहम्मद अली द्वारा किया गया है तिरु छायांकन संतोष नारायणन जुलाई 2023 की शुरुआत में फिल्म का संगीत किसके द्वारा तैयार किया गया है रैप और थांडी कुड़ी जिगर थंडा डबल एक्स को 10 नवंबर 2023 दिवाली के सप्ताह में रिलीज किया गया था जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसके निर्देशन पटकथा कलाकारों के प्रदर्शन संगीत छायांकन उत्पादन मूल्यों संपादन भावनात्मक गहराई और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई कई आलोचक अगली कड़ी को पहली से बेहतर मानते हैं प्लॉट इस लेख का कथानक सारांश हो सकता है बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत जाने के स्टैम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है नवंबर 2023 अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें कृपया 1973 में डीएसपी रत्न कुमार को मुंबई में खो खोख्यात हाथी शिकारी चिट्टानी को पकड़ने का काम सौंपा गया है वन पुलिस चट्टानी के ठिकाने के बारे में स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार करती है भले ही वह स्वयं उसके शिकार हों, मद्रास में किरुबाकरन को एसआई तमिलनाडु पुलिस में वह अपने मंगेतर लूडे को समाचार देने और एक कार्यक्रम में उसका प्रदर्शन देखने के लिए उसके कॉलेज जाता है लोडे ने बाद में किरू बाकरन को छात्रों के बीच पास की लड़ाई को रोकने के लिए मना लिया कुछ समय बाद किरू बाकरन ने चार छात्रों की हत्या कर दी जो खून देख बेहोश हो गया लेकिन उसके हाथ में हथियार था इसके बाद किरू बाकरन को जेल की सजा सुनाई गई उन्नीस सौ पचहत्तर में निवर्तमान तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सिंह नई रानी ने हाल ही में कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की घोषणा की जिससे नए मुख्यमंत्री का चुनाव आवश्यक हो गया रत्ना के बड़े भाई जया कोड़ी एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार और सत्तारूढ़ एस एम डी के पार्टी के उभरते राजनेता हैं जो अगले मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं जया कोड़ी कोयम्बटूर रामनाड़ में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग रोके जाने से व्यथित हैं मधुरे और तिरुवनेलवेली अपने प्रतिद्वंद्वी के समर्थक द्वारा वित्त मंत्री कर्मेगम कर्मेगम जो अब अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में भी सबसे आगे है पूरे तमिलनाडु में एक छाया सिंडिकेट चलाते हैं जिया कोड़ी ने रत्ना से कर्मेगम का समर्थन करने वाले चार गैंगस्टरों को मारने का अनुरोध किया इससे कर्मेगम पार्टी के भीतर कम प्रभावशाली हो जाएंगे फिर उपकरण और तीन अन्य पूर्व पुलिस कैदियों का चयन करते हुए रचना उनमें से प्रत्येक को एक ही लक्ष्य देता है जिसमें किरूबाकरण का लक्ष्य जिगर ठंडा संभवम फैंस क्लब का प्रमुख एलियूस सीजर है और मदुरे में कर्मेगाम के समर्थक रत्ना ने वादा किया कि यदि वे अपने मिशन में सफल हो गए तो सभी चार पूर्व पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया जाएगा और बहाल कर दिया जाएगा लूडे से शादी करने और अपनी नौकरी वापस पाने की चाहत में किरूप कार्यभार स्वीकार करता है एक अभिनेता और कर्मे के शिष्य चिन्ना के सुझाव पर सीजर ने एक ऐसे निर्देशक के लिए ऑडिशन आयोजित करने का फैसला किया जो अखिल भारतीय फिल्म ने उन्हें मुख्य भूमिका में लिया और उन्हें तमिल तो सिनेमा में पहले गहरे रंग वाले अभिनेता के रूप में पेश किया किरूप आकर सत्यजीत रे के छात्र और सहायक निर्देशक रेदासन का उपनाम धारण करता है और ऑडिशन में सफल हो जाता है किरूप आकर ने सीजर के जीवन पर आधारित पांड्या क्लिंट का प्रबल प्रशंसक होने के नाते एक फिल्म बनाने की पेशकश की है ईस्टवुड सीजर रे की योजना से सहमत है फिल्म की शूटिंग के लिए किरू ने सीजर का लाइव शूट किया वास्तविक जीवन में उस कैमरे का उपयोग करना जो ईस्टवुड ने कथित तौर पर सीजर को बाहर में दिया था जब वह उनके गांव में शूटिंग के लिए आया था किरूब आकरण को पता चलता है कि सीजर उसकी जनजाति का है जिस पर शिट्टानी का भूत सवार है सीजर अपनी पत्नी मलैरासी के गोद भराई के लिए अन्य तीन गैंगस्टरों और कर्मेगा को आमंत्रित करता है पुलिस के लक्ष्यों में एक हिटलिस्ट को एक मोल द्वारा मार दिया जाता है सीजर अंततः किरुबाकरन को छोड़कर सभी मोल को ढूंढता है और मार डालता है किरुबाकरन को पता चला कि सीजर ही वह व्यक्ति था जिसने चार छात्रों पर हमला करने का आदेश दिया था जिसके लिए किरुबाकरन को बलि का बकरा बनाया गया था बदला लेने की चाहत में किरुबाकरन ने सीजर को अपने गांव का दौरा करने और शिट्टानी को इस बहाने से पकड़ने के लिए मना लिया कि यह जोड़ एक बेहतर बायोपिक बनाएगा गाँव में सीजर ने रचना रत्ना को आदिवासियों को रिहा करने के बदले में शेट्टानी को पकड़ने का वादा किया ग्रामीणों ने बताया कि उनकी संस्कृति में हाथियों का क्या महत्व है और कैसे वे शिकारियों के कारण जंगलों से खरा गायब हो रहे हैं सीजर और आदिवासियों ने चेट्टानी के रोके हमले को विफल कर दिया और उन्हें मार डाला बचे हुए सदस्यों को पकड़ लिया जाता है और शेट्टानी के ठिकाने का खुलासा किया जाता है सीजर शेटाने का सामना करता है जो हाथियों का शिकार कर रहा है और लगभग मारा जाता है कि का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह सीजर के शरीर को इलाज के लिए गाँव ले जाकर उसे बचाता है स्वस्थ होने पर सीजर शेटानी से फिर से लड़ता है और उसे पकड़ लेता है वह उसे सिंगनी रानी की उपस्थिति में पुलिस को सौंप देता है जो उसके आग्रह पर आती है कि शेट्टिनी को सौंप दिया जाएगा कैदियों के रिहा होने पर ग्रामीण जश्न मनाते हैं और किरूपाकरण स्थानीय आदिवासी पिंगिली से शादी कर लेते हैं अब जब लंबे समय से प्रतीक्षित शांति आ गई सीजर और किरूपाकरण यह देख कर हैरान है कि शेटानी अभी भी हाथियों का शिकार कर रहा है शेटानी ने खुलासा किया कि यह सीएम के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने वर्षों से उसका पालन पोषण किया है हालांकि वह दो बिजनेस टाइकून की ओर से हाथी दांत की तस्करी कर सके उन्होंने सिंगनई रानी को प्रधानमंत्री के माध्यम से पैरवी चट्टानी ने यह भी खुलासा किया कि अधिकारियों ने सीजर को असली शेटानी के रूप में लेबल करने और अंततः एक पुलिस ऑपरेशन में जनजाति का सफाया करने की योजना बनाई गोलीबारी में सीजर और मलैरासी सहित सभी ग्रामीणों की मौत हो जाती है नरसंहार का फिल्मांकन करने वाला किरू बाकरण और सीजर के साथ भागने की कोशिश करता है नवजात बच्चा लेकिन फायरिंग में उन्हें गोली लग गई जयाकौड़ी को अगला सीएम उम्मीदवार माना जा रहा है और कर्मेगाम को कैबिनेट से हटा दिया गया है कर्मेगाम जो कि रूपाकरण के फुटेज के टेप को सुरक्षित करने का प्रबंधन करता है सीजर को श्रद्धांजलि के रूप में से एक खचाखच भरे थिएटर में चलाता है जहां जया कोड़ी की फिल्म चलनी थी दर्शक सीजर के बारे में सीखते हैं जीवन और आदिवासियों का सरकार के नेतृत्व में नरसंहार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू आदिवासियों का नरसंहार केंद्र सरकार में ऊपर तक पहुंच गया है अंतिम उपाय के रूप में सीएम रत्ना और उसके लोगों को थिएटर में कर्मेगाम को मारने के लिए भेजता है लेकिन रत्ना के रूपाकरण को देखकर चौंक जाता है जो वास्तव में जीवित है तिंगली और सीजर के साथ नवजात पुत्र के रूपाकरण ने रत्ना को मार डाला जबकि कर्मेगाम और उसके सहयोगियों ने उसके लोगों को ख़त्म कर दिया मध्य क्रेडिट दृश्य में किरुबाकरण मलया राशि और सीजर के साथ रहने के लिए घर लौटता है बेटा जहाँ पिंगिली और के बाकरन ने उसका नाम सेतु रखा है मलया राशि की देवी सेतु काली अम्मा की मन्नत के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति गुप्त रूप से पिंगिली और सेतु का पीछा करता है जहाँ वह कार में बैठे अन्य व्यक्ति से कहता है कि वे सीजर के अंतिम शेष सदस्य को खत्म कर देंगे उत्पादन विकास और कास्टिंग अप्रैल 2022 की शुरुआत में यह बताया गया कि कार्तिक सुब्बाराज अपनी पत्नी फिल्म के सिक्वल पर काम शुरू करने जा रहे हैं जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा आगे बताया गया कि इसे करण अले राजा द्वारा लाइका प्रोडक्शंस के तहत वित्त पोषित किया गया था राघव लॉरेंस मुख्य भूमिकाओं में से एक होंगे जबकि बॉबी सिमा होंगे मूल फिल्म से उनकी भूमिका को फिर से दोहराएं एक अगस्त को जिगर ठंडा की रिलीज़ के आठ साल पूरे हो गए हैं परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई अस्थायी शीर्षक जिगर ठंडा दो है जो सूर्या को फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म में एक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी संतोष नारायणन को संगीतकार के रूप में चुना गया जिन्होंने जिगर ठंडा में भी संगीत दिया था इकतीस अगस्त को विनयगर चतुर्थी पर सुब्बाराज ने साझा किया कि जिगर ठंडा का प्री प्रोडक्शन जिगर थंडा डबल एक्स की घोषणा एक प्रचार वीडियो के साथ की गई ग्यारह दिसंबर को शीर्षक पर काम किया गया था शफीक मोहम्मद अली फिल्म के संपादक के रूप में शामिल हुए मरकरी और पेट्टा ने किया जो इससे पहले राज की तिरु सहांकन का संचालन उन्होंने आगे कहा कि फिल्म का अपने पूर्ववर्ती से कोई संबंध नहीं होगा और इसमें एक ताज़ा कथा शुरू हो गई है फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी बारह दिसंबर 2022 को मदुरई में शुरू हुई फिल्मांकन केरल और तमिलनाडु के विदेशी स्थानों में हुआ जुलाई 2023 में समाप्ति फिल्मांकन डिजिटल रूप से निर्मित फिल्म में दिखाई देते हैं क्लिंट स्टूड अभिनेता का अभ्यास किया सिल्बा उनके लड़ाई दृश्यों को फिल्माते समय अभिनेता विदु जिन्होंने उनमें से एक का किरदार निभाया था प्रतिपक्षी सट्टानी को एक जानवर की तरह लड़ने के लिए कहा गया था और उन्होंने इसके लिए जिमनास्टिक और के पास एक सेट बनाया गया था जहाँ फिल्म के प्रमुख हिस्से फिल्माए गए कोड़ाई कनाल थांडी कुड़ी फिल्म की सेटिंग से मेल खाने के लिए कई व्यापक सेट बनाए गए तमिल गार्जियन के कृष्णा सेल सिल् ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और कहा सुब्बा राज ने शायद अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी है फिल्म हर विभाग में अपनी पहली किश्त से बेहतर है पिंकवेला ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा जिगर ठंडा डबल एक्स सिनेमाघरों में अवश्य देखी जानी चाहिए यह उत्कृष्ट लेखन प्रदर्शन संगीत और छायांकन के साथ एक संपूर्ण सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है अत्यधिक रन टाइम के बावजूद फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को संतुष्ट करेगी पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा कार्तिक सुब्बाराज समाज के प्रति सिनेमा की जिम्मेदारी को उजागर करते हुए गतिशील दृश्यों को और मजबूत प्रदर्शन के साथ एक आकर्षक सिनेमाई अनुभव प्रदान करते हैं जिंदगी द इंडियन एक्सप्रेस के के रूभाकर पुरुषोत्तम ने दिया पाँच में से साढ़े तीन और लिखा कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है यह सभी का जैक और एक का राजा है बेहद मनोरंजक मैटा सिनेमा जन्नी के इंडिया टुडे ने पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा जिगर थंडा डबल एक्स जो अब तक की उनकी सबसे राजनीतिक और हृदय स्पर्शी फिल्म बन गई है और वास्तव में जिगर ठंडा का डबल एक्स है पैगेटिव वेस्टर्न की आत्मा और जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बा राज की सबसे दिल छू लेने वाली फिल्म है राघव लॉरेंस और एस जे सूर्य अभिनीत कार्तिक सुब्बाराज की पांड्या वेस्टर्न फिल्म 2014 की जिगर ठंडा डबल एक्स ने लिखा द हिंदू के भुवनेश चंद्र थोड़ी पश्चिमी फिल्म है लेकिन की बजाय हमारे पास स्थानीय गैंगस्टर हैं उनकी पसंद का हथियार चाहे वह कैमरा हो या बंदूक जिगर थंडा डबल एक्स की प्रियंका सुंदर पाँच में से तीन स्टार दी और लिखा फर्स्ट पोस्ट को दोहराने की कोशिश करता है थोड़ा लेकिन कम रह जाता है उस उपलब्धि को हासिल करने का जिगर ठंडा ईमानदारी से जिगर ठंडा डबल एक्स ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कार्तिक सुब्बाराज एक बार फिर सिनेमा की प्रभावशाली शक्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मजबूत इरादों और एड्रेनालाइन पंपिंग क्षणों के बावजूद कथा हार जाती है मध्यंतर के बाद उसकी एकजुटता अंत में टाइम्स ऑफ इंडिया कार्तिक सुब्बाराज के अब तक के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है और फिल्म निर्माता को वापस फॉर्म में देखकर वाकई खुश हो रही है द विक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने पाँच में से दो स्टार दिए और लिखा दूसरी किस्त भी यह गैंगस्टर के साथ फिल्म निर्माण के इर्द गिर्द विकसित होती है यदि अपने जिगर ठंडा का पहला अध्याय देखा है और सुब्बा राज के कुछ बड़ी उम्मीद की है तो आपको निराशा होने की संभावना है द न्यूज़ मिंट के भारती सिंगार वेल ने लिखा जिगर धंडा डबल एक्स कार्तिक के राजनीतिक विचारों की एक पीड़ादायक घोषणा है जो लगभग तीन घंटे लंबी है जिसमें फिल्म निर्माण के उनके पुराने ब्रांड के कुछ तत्व अभी भी शामिल हैं यदि कार्तिक सुब्बा राज का मानना है कि सिनेमा राजनीतिक परिवर्तन का एक साधन है तो उन्हें सतह इशारों की तुलना में इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है जो कुछ तालियां बटोर सकते हैं क्लेंट एशवुड ने अपनी चल रही प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद फिल्म देखने की इच्छा व्यक्त की राघव लॉरेंस जन लॉरेंस मुरगैया एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर निर्देशक और अभिनेता हैं जिन्हें इसके लिए जाना जाता है उनका काम मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में है उन्नीस में एक नृत्य कोरियोग्राफर के रूप में अपनी शुरुआत करने के बाद उन्होंने अभिनय के अवसरों की तलाश शुरू कर दी उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत उन्नीस में एक तेलुगु फिल्म से की उन्होंने राघव नाम अपनाया दो में और अपने पूरे करियर में तमिल सिनेमा में कई प्रमुख अभिनेताओं और निर्देशकों के लिए काम किया उन्हें सफलता तेलुगु फिल्म स्टाइल और फिलमुनि से मिली लॉरेंस को उनके जटिल हिप हॉप और पश्चिम डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है 2015 में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद पी जे अब्दुल कलाम लॉरेंस ने उनके नाम पर एक चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना की और रुपये एक करोड़ दान किया प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि लॉरेंस का जन्म भाषी ईसाई परिवार में हुआ था मुर्गैया और कन्मनी का परिवार लॉरेंस जब बच्चा था तो उसे ब्रेन ट्यूमर था वह अपने ट्यूमर के ठीक होने का श्रेय देवता राघवेंद्र स्वामी और एक कार्य में भक्ति राघव नाम लिया करियर प्रारंभिक करियर उन्नीस से दो वह फाइट मास्टर सुपर सुपर नारायण के लिए कार क्लीनर के रूप में काम कर रहा था नृत्य दृश्यों में भी दिखाई दिए 2001 में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया पार्थले पर वसम ने उन्हें अपनी सौवीं फिल्म के बालचंद्र निर्देशक दो हज़ार पार्थेन रसीथेन प्रशांत और उन्नाई कोडू एन्नाई थारूवेन एन। अजीत कुमार इसके बाद उन्होंने तमिल में वह फिल्म फ्लॉप रही थी उन्नीस सौ निन्यानवे में नायक की भूमिका की पेशकश की स्पीड डांसर निर्माता टी वी डी प्रसाद ने उन्हें अपने उद्यम उन्नीस सौ सत्तानवे के लिए नृत्य कोरियोग्राफ करने के लिए कहा मास्टर उन्नीस सौ सत्तानवे के लिए नृत्य कोरियोग्राफ करने का काम किया लॉरेंस के काम से प्रसन्न होकर चिरंजीवी ने उन्हें अपनी अगली फिल्म हिटलर ने उन्हें चिरंजीवी अल्लारी प्रियुडू और उन्नीस सौ तिरानवे मोता मैस्थरी वह उन्नीस सौ तिरानवे के गाने चिक्कू बुक्कू चिक्कू बुक्कू रैली में बैकग्राउंड डांसर थे जेंटलमैन प्रभु देवा में दिखाई दिए डोंगा पुलिस के गाने में दिखाई दिए फिर वह उन्नीस सौ इक्यानवे में संसार संगीतम लॉरेंस पहली बार उन्नीस सौ उनासी में टी राजेंद्रन द्वारा निर्देशित एक तमिल फ़िल्म ने उन्हें डांस करते देखा और डांसर्स यूनियन में शामिल होने में उनकी मदद की करियर स्थापित करना 2002 से 2010 उन्होंने अर्पदम दो 2002 के साथ तमिल में पहली मुख्य भूमिका निभाई जैसा कि समीक्षा साइफ़ी द्वारा बताया गया है इस पंक्ति में नवीनतम लॉरेंस है जो अपने पूर्ववर्ती प्रभुदेवा की तरह हीरो बनने के लिए कृत संकल्प है अपूर्तम की पटकथा अच्छी है और लॉरेंस एहनीय है, है इसके बाद शैली 2002 उन्होंने तमिल फिल्म थिरुमलाई में विजय के साथ अतिथि भूमिका भी निभाई फिल्म थिएंट्रल में अतिथि भूमिका के बाद उन्होंने तेलुगु में अपनी पहली फिल्म मास फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही ज्योतिका और नागार्जुन बाद में उन्होंने स्टाइल 2006 का निर्देशन और अभिनय किया जिसमें प्रभु देवा प्रभु देवा के साथ सह अभिनय किया को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया इरुम्बू कुकोटई मोरट्टु सिंगम और राजाधी राजा जबकि को माध्यम सफलता मिली पंडी इरुम्बम कोटई सिंगम सहित मोराटू सिंगम और राजाधी राजा, राजा जबकी को मध्यम सफलता मिली पंडी मुकुटोई मोराटू सिंगम और राजाधी राजा पंडी राघव ने अलग अलग श्रेणियों की फिल्मों में काम करना जारी रखा जैसे कि अभिनय किया राघव ने दूसरी भूमिकाओं में अभिनय किया और केवल शैली और तकनीकी पहलुओं के आधार पर फिल्म बनाई फिल्म को औसत प्रतिक्रिया मिली अनुष्का शेट्टी और नागार्जुन 2007 का निर्देशन किया फिल्म में डॉन इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म से मिली जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी मुनि शामिल है भूमिकाएं उन्हें अपनी सफलता चिरंजीवी और नागार्जुन और अतिथि में बाद का करियर 2011 से वर्तमान वह श्रृंखला लेता है मुनि में कंचना 2011 हज़ार सारद कुमार मुख्य भूमिका में है फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म रिबेल प्रभास और तमन्ना उन्होंने कंचना दो में अभिनय किया 2017 में उन्होंने एक, एक एक्शन मसाला फिल्म मोटा शिवा केट्टा शिवा में अभिनय किया साइफ़ी ने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया बेवकूफ जोरदार और बिना दिमाग वाला फिर हॉरर शैली का एक और शिवलिंग एक कन्नड़ समान नाम वाली भाषा पी द्वारा निर्देशित वासु निर्देशक के बेटे शक्ति वासुदेवन ने भी दो संस्करणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कहानी एक पुलिसकर्मी की है जो एक मुस्लिम की संदिग्ध मौत की जांच कर रहा है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पर उस युवक का भूत सवार हो गया है 10 नवंबर 2023 को फिल्म जिगर ठंडा डबल एक्स जिसमें अभिनेता राघव लॉरेंस और एस जे सूर्या मुख्य भूमिका में थे रिलीज हुई मूल फिल्म की अगली कड़ी जिगर ठंडा। सामाजिक कार्य उन्होंने कई सामाजिक सेवा गतिविधियाँ की जिनमें उन्हें छोटे बच्चे की कई हृदय शिल्पिक चिकित्सा में सहायता की वह बैल सवारी खेल के समर्थकों में से एक थे जल्लीकट्टू कट्टू के बाद 2017 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जनवरी 2017 में तमिलनाडु में एक विरोधी के प्रदर्शन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भोजन दवा और बुनियादी जरूरतें प्रदान की और तब तक उनका समर्थन करने का वादा किया विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा पिनाराई विजयन केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कोष के रूप में एक करोड़ रुपए दान करेंगे सेलवा राज जस्टिन पांडियन को उनके स्टेज नाम एस से जाना जाता है जय सूर्या एक भारतीय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक अभिनेता संगीतकार निर्माता और संगीत निर्देशक हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा वसंत और सभापति की सहायता की सूर्या ने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में वाली से की जिसकी सफलता ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कुशी नया शामिल है अम्बे आरू येरे और ईसाई उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत न्यू से की और कलवानीन कदली थिरुमगन व्याबारी और स्पाइडर मरसल में प्रतिपक्षी के रूप में दिखाई दिए फिल्मी करियर उन्नीस सौ नब्बे से दो हज़ार तीन प्रारंभिक करियर और सफलता अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्म स्थान के पास वासुदेवन लूर पुलियागुंडी तमिलनाडु सूर्याक पूरा करने के लिए चेन्नई चले गए लोयला कॉलेज से भौतिकी की डिग्री मदुरे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कुछ सफलता पाने की उम्मीद के साथ चेन्नई में ही रुके रहे तमिल फिल्मों के एक अभिनेता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने के के तहत प्रशिक्षु का प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले होटलों में और एक प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू कर दिया भाग्य राज बाद में उन्होंने वसंत और सुंदर पुरुष उन्नीस सभापति के अंतर्गत जबकि उन्हें एक अभिनेता के रूप में विशेष रूप से भारतीय राजा एस के झाकू चीमा येले उन्नीस सौ तिरानवे उल्लासम उन्नीस सौ की टीम में काम करते हुए फिल्म के मुख्य अभिनेता अजीत कुमार ने सूर्या को आसाई में उनके सहयोग से पहचाना और एक स्क्रिप्ट के लिए कथन सुनना स्वीकार किया कथन से प्रभावित होकर अजीत ने बाद में एस से संपर्क करने में मदद की एस चक्रवर्ती ने फिल्म का निर्माण किया और टीम ने उन्नीस के अंत वाली उन्नीस सौ निन्यानवे पर काम शुरू कर दिया नया नौ जुलाई 2004 को मिश्रित समीक्षाओं के साथ जारी किया गया है हिंदू के आलोचक ने दावा किया कि एक ऐसी शैली से संबंधित जो हमारे सिनेमा के लिए दुर्लभ है नई हालांकि उगल और देवर्थी गीतों के दलदल दल में फंस जाती है लेकिन संकेत दिया गया संभावित सफलता का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्देशक लगता है कि उसके ठीक निशाने पर लगा दिया है बाद में यह फिल्म एक सफल फिल्म बन गई ब्लॉकबस्टर संगीत ए द्वारा आर रहमान को फिल्म के सबसे बड़े बिक्री बिंदुओं में से एक के रूप में लेबल किया जा रहा है नानी को अगले महीने समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म खराब स्क्रिप्ट और कृत्रिमता से ग्रस्त है फिल्म के व्यस्क विषय पर विवाद उत्पन्न हुआ और रिलीज के बाद तमिलनाडु राज्य में महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया रिलीज़ के बाद एक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई जिसके बारे में उनका कहना है कि इसमें अश्लील सेक्स दृश्य थे सूर्या ने दावा करते हुए जवाब दिया कि सेक्स दृश्य इसलिए हैं क्योंकि कहानी के लिए उनकी आवश्यकता है और उन्होंने अपनी फिल्म को सेक्स और कॉमेडी से भरपूर काल्पनिक बताया अगस्त 2005 में मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म के लिए सेंसर प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और चेन्नई के पुलिस आयुक्त को सूर्या के ख़िलाफ़ दर्ज दो आपराधिक शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया यह फैसला सुनाते हुए कि फिल्म स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान नहीं करती है और यदि यह फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को रद्द नहीं करता है यह दावा करते हुए कि इसे मूल रूप से ए प्राप्त हुआ है तो वह अपने कर्तव्य में असफल होगा प्रमाण पत्र संदिग्ध परिस्थितियों में सूर्या को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान गुस्से में सेंसर बोर्ड की एक महिला अधिकारी का मोबाइल फेंकने के आरोप में शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बाद में उन्हें बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया मार्च 2006 में एक और मामला शुरू किया गया जिसमें सेंसर बोर्ड ने ख़िलाफ़ दर्ज की फिल्म से हटाए गए दृश्यों के चित्रों का उपयोग करने के लिए एक पोस्टर के साथ जिसमें सूर्या को सिमरन की दरार की सतह पर आराम करते हुए दिखाया गया था बाद में रिहा होने से पहले दूसरी बार गिरफ्तार किया गया उन्होंने न्यू की रिलीज़ के तुरंत बाद 2004 में ईसाई नामक एक फिल्म की घोषणा की ईसाई जबकि नामक दो अन्य उद्यमों के लिए भी सहयोग करेंगे ए जुम जाई बनाम चित्रा और अनबुल्ला नानबाने ए आर रहमान जब उसने खुलासा किया कि अनबुल्ला नानबाने को बेस्ट फ्रेंड शीर्षक अनबे आरू हीरे दो को अंतिम रूप दिए जाने से पहले खुद को फिर से मुख्य भूमिका में दिखाते हुए उन्होंने फ़िल्म के लिए नवागंतुक मीरा चोपड़ा को साइन किया और स्टेज नाम नीला के तहत उनका नाम बदल दिया उन्होंने खुलासा किया कि वह यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए थे ताकि यह बताया जा सके कि युवा प्रेमियों को एक दूसरे को जगह देनी चाहिए और वह यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय युवाओं का रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण पिछले दशक से बदल रहा है उन्होंने फिल्म को खुशी का सीक्वल बताया जिससे पता चला कि फिल्म की मुख्य भूमिका अभिनेताओं के बीच इसी तरह का अहंकार टकराव होगा जैसे नया सेंसर बोर्ड द्वारा कई कट्स पर जोर देने के कारण फिल्म को रिलीज से पहले बाधाओं का सामना करना पड़ा और सूर्या के चल रहे कानूनी झगड़े के कारण फिल्म में देरी हुई फिल्म को सितंबर 2005 में मिश्रित समीक्षाएं मिली साइफी डॉट कॉम ने इसे वयस्क मनोरंजन का लेबल दिया हालांकि उन्होंने आगे कहा वह अपने किरदार शिव को जीवंत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन संवाद अदायगी और आवाज़ मॉड्यूलेशन के मामले में उन्हें मीलों चलना पड़ता है लेकिन नृत्य के मोर्चे पर उन्होंने काफ़ी सुधार किया है यह फिल्म तमिल फिल्मों में उनकी लगातार चौथी व्यावसायिक सफलता बन गई जिसमें सूर्य विवादों से उबलने में मदद करने के लिए अपने दल को धन्यवाद देने पर अड़े रहे और उस पर टीम प्रयास का लेबल लगाया सूर्या ने एक निर्देशकीय उद्धम एम एजुजुमाई एजुमाझाई बनाम चित्रा पर प्रोडक्शन का काम शुरू किया जो कि सिलंबर आसन और आसिन जनवरी 2005 में और टीम ने एक प्रमोशनल फोटोशूट से ली गई तस्वीरें जारी की हालांकि फिल्म जिसका निर्माण एस द्वारा किया जाना था एस चक्रवर्ती अंततः विकास करने में विफल रहे और इसमें शामिल लोग अलग अलग उद्यमों में चले गए इसके बाद सूर्या ने पुली नामक एक उद्यम पर काम शुरू किया जो एक पुलिस थ्रिलर थी जिसमें मुख्य भूमिका में अनवोदय अप्पाचन निर्माता होंगे 2005 के अंत में रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि असिन प्रमुख महिला भूमिका निभाएंगी जबकि सूर्या ने एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ साथ इस परियोजना को विकसित किया हालांकि 2006 की शुरुआत में सूर्या द्वारा स्क्रिप्ट में बदलाव करने से इनकार करने के बाद विजय इस परियोजना से बाहर हो गए जनवरी 2006 में ईसाई के वापस आने की सूचना मिली थी या तो इसके साथ चल रहा है 2007 से 2015 करियर में उतार चढ़ाव न्यू और वे आरू यीरे के साथ उनके अभिनय को मिले सकारात्मक स्वागत के बाद सूर्या ने निर्देशन से ब्रेक लेने का फैसला किया और अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय करने का विकल्प चुना उन्हें तमिल वन नान की कॉमेडी कलवानिन कथली 2006 में नयन तारा के साथ कैसा नोवा की भूमिका में लिया गया था बियाबारी दो में मुख्य अभिनेता के रूप में संक्षिप्त वापसी की जिसे अच्छी समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत प्रदर्शन किया न्यूटोन मोनड्रम विधि उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नामक एक और चल रहे उद्यम को बंद करने के लिए प्रेरित किया और सूर्या ने निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया पांडी गई दोनों फिल्मों की असफलता में उनके प्रदर्शन के लिए थिरुमगन इसी तरह आलोचकों ने कहा कि वह सिर्फ एक सीमित अभिनेता हैं जो केवल पहले भाग में सहजता से चलते हैं वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में किया था सूर्या को एक व्यवसाय के रूप में लिया गया था जो अपने परिवार की देखभाल करने और दोनों भूमिकाएँ निभाने के लिए खुद का एक क्लोन बनाता है सूर्या के प्रदर्शन को के रूप में वर्णित किया गया था अपमानजनक चरम पर और जोर से और वादी वेलू नमिता तमन्ना पहली रिलीज है कि साइंस फिक्शन कॉमेडी शक्ति चिदम्बरम उन्होंने 2007 में अभिनेता के रूप में दो रिलीज हुई अंततः इसे औसत समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया सूर्या ने घोषणा की कि वह अपने निर्देशन वाली फिल्म पुली पर फिर से काम शुरू करेंगे लेकिन इसके बजाय से एक तेलुगु फिल्म के रूप में बनाएंगे और पवन कल्याण मुख्य भूमिका निभाएंगे सिंह नमाला रमेश द्वारा निर्मित व ए पर हस्ताक्षर किए गए आर रहमान ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि नवागंतुक निकेशा पटेल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया अभिनेत्री फिल्म को बनने में करीब तीन साल लगे और नियमित अंतराल पर देरी का सामना करना पड़ा फिल्म आखिरकार सितंबर 2010 में रिलीज़ हुई और इसे नकारात्मक समीक्षा मिली आलोचकों से साइफ़ी डॉट कॉम के एक समीक्षक ने कहा फिल्म के साथ मुख्य समस्या यह है कि इसमें कोई विश्वसनीय कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है 2016 से वर्तमान हालिया कार्य और वापसी सफलता 2016 में सूर्या ने ड्रामा फिल्म एर में अभिनय किया एक शराबी और अपमानजनक निर्देशक के रूप में उनके प्रदर्शन को आलोचकों और दर्शकों दोनों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था बाद में सूर्या ने दो फिल्में साइन की और उनमें अभिनय किया स्पाइडर एक दिभाषी और मार्शल दोनों फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई जिगर ठंडा डबल एक्स दो हज़ार तेईस भारतीय है तमिल भाषा एक्शन ड्रामा फिल्म लिखित तो और निर्देशित कार्तिक सुब्बाराज और संयुक्त रूप से उनके द्वारा निर्मित कार्तिकेन संथानम एस आई कथी और अलंकार पांडियन स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशंस और इनवेनियो ऑरिजन के तहत यह फिल्म आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और पूर्व कड़ी है ठंडा और सितारे राघव लॉरेंस एस सूर्य और निमिषा रसजन 1970 के दशक में स्थापित यह है एक आगामी पुलिसकर्मी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक फिल्म निर्माता के रूप में गुप्त रूप से जाकर एक गैंगस्टर को मारने की कोशिश कर रहा है फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2022 में स्थायी शीर्षक जिगर ठंडा दो के साथ की गई थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने मदुरे में शुरू हुई और उसके बाद शेड्यूल बनाया गया संचालित और संपादन शफीक मोहम्मद अली द्वारा किया गया है तिरु छायांकन संतोष नारायणन जुलाई 2023 की शुरुआत में फिल्म का संगीत किसके द्वारा तैयार किया गया है रैप और थांडी कुड़ी जिगर थंडा डबल एक्स को 10 नवंबर 2023 दिवाली के सप्ताह में रिलीज किया गया था जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसके निर्देशन पटकथा कलाकारों के प्रदर्शन संगीत छायांकन उत्पादन मूल्यों संपादन भावनात्मक गहराई और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई कई आलोचक अगली कड़ी को पहली से बेहतर मानते हैं प्लॉट इस लेख का कथानक सारांश हो सकता है बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत जाने के स्टैम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है नवंबर 2023 अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें कृपया 1973 में डीएसपी रत्न कुमार को मुंबई में खो खोख्या हाथी शिकारी चिट्टानी को पकड़ने का काम सौंपा गया है उन पुलिस चट्टानी के ठिकाने के बारे में स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार करती है भले ही वह स्वयं उसके शिकार हों। मद्रास में किरुबाकरन को एसआई तमिलनाडु पुलिस में वह अपने मंगेतर लूडे को समाचार देने और एक कार्यक्रम में उसका प्रदर्शन देखने के लिए उसके कॉलेज जाता है लोर्डे ने बाद में किरू बाकरन को छात्रों के बीच पास की लड़ाई को रोकने के लिए मना लिया कुछ समय बाद किरू बाकरन ने चार छात्रों की हत्या कर दी जो खून देख बेहोश हो गया लेकिन उसके हाथ में हथियार था इसके बाद किरू बाकरन को जेल की सजा सुनाई गई 1975 में निवर्तमान तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सिंग नई रानी ने हाल ही में कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की घोषणा की जिससे नए मुख्यमंत्री का चुनाव आवश्यक हो गया रत्ना के बड़े भाई जया कोड़ी एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार और सत्तारूढ़ एस एम डी के पार्टी के उभरते राजनेता हैं जो अगले मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं जया कोड़ी कोयम्बटू रामनाड़ में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग रोके जाने से व्यथित हैं मदुरे और तिरुव अपने प्रतिद्वंद्वी के समर्थक द्वारा वित्त मंत्री कर्मेगम कर्मेगम जो अब अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में भी सबसे आगे है पूरे तमिलनाडु में एक छाया सिंडिकेट चलाते हैं जया कोड़ी ने रत्ना से कर्मेगम का समर्थन करने वाले चार गैंगस्टरों को मारने का अनुरोध किया इससे कर्मेगम पार्टी के भीतर कम प्रभावशाली हो जाएंगे फिर और तीन अन्य पूर्व पुलिस कैदियों का चयन करते हुए रचना उनमें से प्रत्येक को एक ही लक्ष्य देता है जिसमें किरूपाकरण का लक्ष्य जिगर ठंडा संभवम फैंस क्लब का प्रमुख एलियू सीजर है और मदुरे में कर्मेगाम के समर्थक रत्ना ने वादा किया कि यदि वे अपने मिशन में सफल हो गए तो सभी चार पूर्व पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया जाएगा और बहाल कर दिया जाएगा लूढ़े से शादी करने और अपनी नौकरी वापस पाने की चाहत में किरुबाकरण कार्यभार स्वीकार करता है एक अभिनेता और कर्मेगाम के शिष्य चिन्ना के सुझाव पर सीजर ने एक ऐसे निर्देशक के लिए ऑडिशन आयोजित करने का फैसला किया जो अखिल भारतीय फिल्म ने उन्हें मुख्य भूमिका में लिया और उन्हें तमिल तो सिनेमा में पहले गहरे रंग वाले अभिनेता के रूप में पेश किया किरूपाकरण सत्यजीत रे के छात्र और सहायक निर्देशक रेदासन का उपनाम धारण करता है और ऑडिशन में सफल हो जाता है किरूप आकर ने सीजर के जीवन पर आधारित पांड्या क्लिंट का प्रबल प्रशंसक होने के नाते एक फिल्म बनाने की पेशकश की है ईस्टवुड सीजर रे की योजना से सहमत है फिल्म की शूटिंग के लिए किरू बाकरण ने सीजर का लाइव शूट किया वास्तविक जीवन में उस कैमरे का उपयोग करना जो ईस्टवुड ने कथित तौर पर सीजर को बाहर में दिया था जब वह उनके गांव में शूटिंग के लिए आया था किरूबाकरण को पता चलता है कि सीजर उसकी जनजाति का है जिस पर चिट्टानी का भूत सवार है सीजर अपनी पत्नी मलैरासी के गोद भराई के लिए अन्य तीन गैंगस्टरों और कर्मेगा को आमंत्रित करता है पुलिस के लक्ष्यों में एक हिटलिस्ट को एक मोल द्वारा मार दिया जाता है सीजर अंततः किरुबाकरन को छोड़कर सभी मोल्स को ढूंढता है और मार डालता है किरुबाकरन को पता चला कि सीजर ही वह व्यक्ति था जिसने चार छात्रों पर हमला करने का आदेश दिया था जिसके लिए किरुबाकरन को बलि का बकरा बनाया गया था बदला लेने की चाहत में किरू ने सीजर को अपने गांव का दौरा करने और शिट्टानी को इस बहाने से पकड़ने के लिए मना लिया कि यह जोड़ एक बेहतर बायोपिक बनाएगा गाँव में सीजर ने रचना रत्ना को आदिवासियों को रिहा करने के बदले में शेट्टानी को पकड़ने का वादा किया ग्रामीणों ने बताया कि उनकी संस्कृति में हाथियों का क्या महत्व है और कैसे वे शिकारियों के कारण जंगलों से खरा गायब हो रहे हैं सीजर और आदिवासियों ने चेट्टानी गिरो हमले को विफल कर दिया और उन्हें मार डाला बचे हुए सदस्यों को पकड़ लिया जाता है और शेट्टानी के ठिकाने का खुलासा किया जाता है सीजर शेट्टी का सामना करता है जो हाथियों का शिकार कर रहा है और लगभग मारा जाता है कि रूपाकरण का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह सीजर के शरीर को इलाज के लिए गाँव ले जाकर उसे बचाता है स्वस्थ होने पर सीजर शेटानी से फिर से लड़ता है और उसे पकड़ लेता है वह उसे नहीं रानी की उपस्थिति में पुलिस को सौंप देता है जो उसके आग्रह पर आती है कि शेट्टिनी को सौंप दिया जाएगा कैदियों के रिहा होने पर ग्रामीण जश्न मनाते हैं और किरूपाकरण स्थानीय आदिवासी पिंगिली से शादी कर लेते हैं अब जब लंबे समय से प्रतीक्षित शांति आ गई सीजर और किरूपाकरण यह देख कर हैरान है कि शेट्टानी अभी भी हाथियों का शिकार कर रहा है शेट्टानी ने खुलासा किया कि यह सीएम के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने वर्षों से उसका पालन पोषण किया है हालांकि वह दो बिजनेस टाइकून की ओर से हाथी दांत की तस्करी कर सके उन्होंने सिंगनई रानी को प्रधानमंत्री के माध्यम से पैरवी चट्टानी ने यह भी खुलासा किया कि अधिकारियों ने सीजर को असली चट्टानी के रूप में लेबल करने और अंततः एक पुलिस ऑपरेशन में जनजाति का सफाया करने की योजना बनाई गोलीबारी में सीजर और मलैरासी सहित सभी ग्रामीणों की मौत हो जाती है नरसंहार का फिल्मांकन करने वाला किरू बाकरण और सीजर के साथ भागने की कोशिश करता है नवजात बच्चा लेकिन फायरिंग में उन्हें गोली लग गई जयाकौड़ी को अगला सीएम उम्मीदवार माना जा रहा है और कर्मेगाम को कैबिनेट से हटा दिया गया है कर्मेगाम जो कि रूपाकरण के फुटेज के टेप को सुरक्षित करने का प्रबंधन करता है सीजर को श्रद्धांजलि के रूप में से एक खचाखच भरे थिएटर में चलाता है जहां जया कोड़ी की फिल्म चलनी थी दर्शक सीजर के बारे में सीखते हैं जीवन और आदिवासियों का सरकार के नेतृत्व में नरसंहार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू आदिवासियों का नरसंहार केंद्र सरकार में ऊपर तक पहुंच गया है अंतिम उपाय के रूप में सीएम रत्ना और उसके लोगों को थिएटर में कर्मेगाम को मारने के लिए भेजता है लेकिन रत्ना के रूपाकरण को देखकर चौंक जाता है जो वास्तव में जीवित है तिंगली और सीजर के साथ नवजात पुत्र के रूपाकरण ने रत्ना को मार डाला जबकि कर्मेगाम और उसके सहयोगियों ने उसके लोगों को खत्म कर दिया मध्य क्रेडिट दृश्य में किरुबाकरण मलया राशि और सीजर के साथ रहने के लिए घर लौटता है बेटा जहाँ पिंगिली और के ने उसका नाम सेतु रखा है मलया राशि की देवी सेतु काली अम्मा की मन्नत के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति गुप्त रूप से पिंगिली और सेतु का पीछा करता है जहाँ वह कार में बैठे अन्य व्यक्ति से कहता है कि वे सीजर के अंतिम शेष सदस्य को खत्म कर देंगे उत्पादन विकास और कास्टिंग अप्रैल 2022 की शुरुआत में यह बताया गया कि कार्तिक सुब्बाराज अपनी पत्नी फिल्म के सिक्वल पर काम शुरू करने जा रहे हैं जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा आगे बताया गया कि इसे करण अली राजा द्वारा लाइका प्रोडक्शंस के तहत वित्त पोषित किया गया था राघव लॉरेंस मुख्य भूमिकाओं में से एक होंगे जबकि बॉबी सिमा होंगे मूल फिल्म से उनकी भूमिका को फिर से दोहराएं एक अगस्त को जिगर ठंडा की रिलीज़ के आठ साल पूरे हो गए हैं परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई अस्थाई शीर्षक जिगर ठंडा दो है जो सूर्या को फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म में एक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी संतोष नारायणन को संगीतकार के रूप में चुना गया जिन्होंने जिगर ठंडा में भी संगीत दिया था इकतीस अगस्त को विनयगर चतुर्थी पर सुब्बाराज ने साझा किया कि जिगर ठंडा का प्री प्रोडक्शन जिगर थंडा डबल एक्स की घोषणा एक प्रचार वीडियो के साथ की गई 11 दिसंबर को शीर्षक पर काम किया गया था शफीक मोहम्मद अली फिल्म के संपादक के रूप में शामिल हुए मरकरी और पेट्टा ने किया जो इससे पहले सुब्बाराज की तिरुसन का संचालन उन्होंने आगे कहा कि फिल्म का अपने पूर्ववर्ती से कोई संबंध नहीं होगा और इसमें एक ताज़ा कथा शुरू हो गई है फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी बारह दिसंबर 2022 को मदुरई में शुरू हुई फिल्मांकन केरल और तमिलनाडु के विदेशी स्थानों में हुआ जुलाई 2023 में समाप्ति फिल्मांकन डिजिटल रूप से निर्मित फिल्म में दिखाई देते हैं क्लिंट स्टूड अभिनेता का अभ्यास किया सिल्बा उनके लड़ाई दृश्यों को फिल्माते समय अभिनेता विदु जिन्होंने उनमें से एक का किरदार निभाया था प्रतिपक्षी सिट्टानी को एक जानवर की तरह लड़ने के लिए कहा गया था और उन्होंने इसके लिए जिमनास्टिक और के पास एक सेट बनाया गया था जहाँ फिल्म के प्रमुख हिस्से फिल्म गए कोड़ाई कनाल थांडी कुड़ी फिल्म की सेटिंग से मेल खाने के लिए कई व्यापक सेट बनाए गए तमिल गार्जियन के कृष्णा सेल सिल्व ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और कहा सुब्बा राज ने शायद अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी है फिल्म हर विभाग में अपनी पहली किश्त से बेहतर है पिंक वेला ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा जिगर ठंडा डबल एक्स सिनेमाघरों में अवश्य देखी जानी चाहिए यह उत्कृष्ट लेखन प्रदर्शन संगीत और छायांकन के साथ एक संपूर्ण सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है अत्यधिक रन टाइम के बावजूद फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को संतुष्ट करेगी पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा कार्तिक सुब्बाराज समाज के प्रति सिनेमा की जिम्मेदारी को उजागर करते हुए गतिशील दृश्यों को और मजबूत प्रदर्शन के साथ एक आकर्षक सिनेमाई अनुभव प्रदान करते हैं जिंदगी द इंडियन एक्सप्रेस के के भाकर पुरुषोत्तम ने दिया पाँच में से साढ़े तीन और लिखा कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है यह सभी का जैक और एक का राजा है बेहद मनोरंजक मेटा सिनेमा जन्नी के इंडिया टुडे ने पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा जिगर थंडा डबल एक्स जो अब तक की उनकी सबसे राजनीतिक और हृदय स्पर्शी फिल्म बन गई है और वास्तव में जिगर ठंडा का डबल एक्स है वेस्टर्न की आत्मा और जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बा राज की सबसे दिल छू लेने वाली फिल्म है राघव लॉरेंस और एस जे सूर्य अभिनीत कार्तिक सुब्बा राज की पांड्या वेस्टर्न फिल्म 2014 की जिगर ठंडा डबल एक्स ने लिखा द हिंदू के भुवनेश चंद्र थोड़ी पश्चिमी फिल्म है लेकिन काबाई की बजाय हमारे पास स्थानीय गैंगस्टर हैं उनकी पसंद का हथियार चाहे वे कैमरा हो या बंदूक जिगर थंडा डबल एक्स की प्रियंका सुंदर पाँच में से तीन स्टार दी और लिखा फर्स्ट पोस्ट को दोहराने की कोशिश करता है थोड़ा लेकिन कम रह जाता है उस उपलब्धि को हासिल करने का जिगर ठंडा ईमानदारी से जिगर ठंडा डबल एक्स ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कार्तिक सुब्बाराज एक बार फिर सिनेमा की प्रभावशाली शक्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मजबूत इरादों और एड्रेनालाइन पंपिंग क्षणों के बावजूद कथा हार जाती है मध्यंतर के बाद उसकी एकजुटता अंत में टाइम्स ऑफ इंडिया कार्तिक सुब्बाराज के अब तक के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है और फिल्म निर्माता को वापस फॉर्म में देखकर वाकई खुश हो रही है दाविक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने पाँच में से दो स्टार दिए और लिखा दूसरी किस्त भी यह गैंगस्टर के साथ फिल्म निर्माण के इर्द गिर्द विकसित होती है यदि अपने जिगर ठंडा का पहला अध्याय देखा है और सुब्बा राज के कुछ बड़ी उम्मीद की है तो आपको निराशा होने की संभावना है द न्यूज़ मिंट के भारती सिंगार वेल ने लिखा जिगर धंडा डबल एक्स कार्तिक के राजनीतिक विचारों की एक पीड़ादायक घोषणा है जो लगभग तीन घंटे लंबी है जिसमें फिल्म निर्माण के उनके पुराने ब्रांड के कुछ तत्व अभी भी शामिल हैं यदि कार्तिक सुब्बा राज का मानना है कि सिनेमा राजनीतिक परिवर्तन का एक साधन है तो उन्हें सतह इशारों की तुलना में इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है जो कुछ तालियां बटोर सकते हैं क्लेंट एशवुड ने अपनी चल रही प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद फिल्म देखने की इच्छा व्यक्त की राघव लॉरेंस जन लॉरेंस मुरगैया एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर निर्देशक और अभिनेता हैं जिन्हें इसके लिए जाना जाता है उनका काम मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में है उन्नीस में एक नृत्य कोरियोग्राफर के रूप में अपनी शुरुआत करने के बाद उन्होंने अभिनय के अवसरों की तलाश शुरू कर दी उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत उन्नीस में एक तेलुगु फिल्म से की उन्होंने राघव नाम अपनाया 2001 में और अपने पूरे करियर में तमिल सिनेमा में कई प्रमुख अभिनेताओं और निर्देशकों के लिए काम किया उन्हें सफलता तेलुगु फिल्म स्टाइल और फिल्मुनि से मिली लॉरेंस को उनके जटिल हिपहॉप और पश्चिम डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है 2015 में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद पी जे अब्दुल कलाम लॉरेंस ने उनके नाम पर एक चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना की और रुपये एक करोड़ दान किया प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि लॉरेंस का जन्म भाषी ईसाई परिवार में हुआ था मुर्गैया और कनमणी का परिवार लॉरेंस जब बच्चा था तो उसे ब्रेन ट्यूमर था वह अपने ट्यूमर के ठीक होने का श्रेय देवता राघवेंद्र स्वामी और एक कार्य में भक्ति राघव नाम लिया करियर प्रारंभिक करियर उन्नीस से 2001 वह फाइट मास्टर सुपर सुबर नारायण के लिए कार क्लीनर के रूप में काम कर रहा था नृत्य दृश्यों में भी दिखाई दिए 2001 में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया पार्थले और वसम ने उन्हें अपनी सौवीं फिल्म के बालचंद्र निर्देशक दो हजार पार्थेन रसीथेन प्रशांत और उन्नाई कोडु एन्नाई थारूवेन अजीत कुमार इसके बाद उन्होंने तमिल में वह फिल्म फ्लॉप रही थी उन्नीस में नायक की भूमिका की पेशकश की स्पीड डांसर निर्माता टी वी डी प्रसाद ने उन्हें अपने उद्यम उन्नीस के लिए नृत्य कोरियोग्राफ करने के लिए कहा मास्टर उन्नीस सौ सत्तानवे के लिए नृत्य कोरियोग्राफ करने का काम किया लॉरेंस के काम से प्रसन्न होकर चिरंजीवी ने उन्हें अपनी अगली फिल्म हिटलर ने उन्हें चिरंजीवी अल्लारी प्रियुडू और उन्नीस सौ तिरानवे मुता मस्थरी वह उन्नीस सौ तिरानवे के गाने चिक्कू बुक्कू चिक्कू बुक्कू रैली में बैकग्राउंड डांसर थे जेंटलमैन मैन प्रभुदेवा में दिखाई दिए डोंगा पुलिस के गाने में दिखाई दिए फिर वह उन्नीस सौ इक्यानवे में संसार संगीतम लॉरेंस पहली बार उन्नीस सौ उनासी में टी राजेंद्रन द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म ने उन्हें डांस करते देखा और डांसर्स यूनियन में शामिल होने में उनकी मदद की करियर स्थापित करना 2002 से 2010 उन्होंने अर्पदम दो 2002 अर के साथ तमिल में पहली मुख्य भूमिका निभाई जैसा कि समीक्षा साइफ़ी द्वारा बताया गया है इस पंक्ति में नवीनतम लॉरेंस है जो अपने पूर्ववर्ती प्रभुदेवा की तरह हीरो बनने के लिए कृत संकल्प है अपूर्तम की पटकथा अच्छी है और लॉरेंस है, है इसके बाद शैली 2002 उन्होंने तमिल फिल्म थिरुमलाई में विजय के साथ अतिथि भूमिका भी निभाई फिल्म थियंट्रल में अतिथि भूमिका के बाद उन्होंने तेलुगु में अपनी पहली फिल्म मास फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही ज्योति का और नागार्जुन बाद में उन्होंने स्टाइल 2006 का निर्देशन और अभिनय किया जिसमें प्रभु देवा प्रभु देवा के साथ सह अभिनय किया को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया इरुम्बु कुकोटई मोरट्टू सिंगम और राजाधी राजा जबकि को माध्यम सफलता मिली पंडी इरुम्बम कोटई मोरट्टू सिंगम सहित मोराटू सिंगम और राजाधि राजा, राजा जबकी को मध्यम सफलता मिली पंडी मोराटू सिंगम और राजाधी राजा पंडी राघव ने अलग अलग श्रेणियों की फिल्मों में काम करना जारी रखा जैसे कि अभिनय किया राघव ने दूसरी भूमिकाओं में अभिनय किया और केवल शैली और तकनीकी पहलुओं के आधार पर फिल्म बनाई फिल्म को औसत प्रतिक्रिया मिली अनुष्का शेट्टी और नागार्जुन 2007 का निर्देशन किया फिल्म में डॉन इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म से मिली जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी मुनि शामिल है भूमिकाएं उन्हें अपनी सफलता चिरंजीवी और नागार्जुन और अतिथि में बाद का करियर 2011 से वर्तमान वह श्रृंखला लेता है मुनि में कंचना 2011 हज़ार ग्यारह सारद कुमार मुख्य भूमिका में है फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म रिबेल प्रभास और तमन्ना उन्होंने कंचना दो में अभिनय किया 2017 में उन्होंने एक, एक एक्शन मसाला फिल्म मोटा शिवा केट्टा शिवा में अभिनय किया साइफ़ी ने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया बेवकूफ जोरदार और बिना दिमाग वाला फिर हॉरर शैली का एक और शिवलिंग एक कन्नड़ समान नाम वाली भाषा पी द्वारा निर्देशित वासु निर्देशक के बेटे शक्ति वासुदेवन ने भी दो संस्करणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कहानी एक पुलिसकर्मी की है जो एक मुस्लिम की संदिग्ध मौत की जांच कर रहा है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पर उस युवक का भूत सवार हो गया है 10 नवंबर 2023 को फिल्म जिगर ठंडा डबल एक्स जिसमें अभिनेता राघव लॉरेंस और एस जे सूर्या मुख्य भूमिका में थे रिलीज हुई मूल फिल्म की अगली कड़ी जिगर ठंडा। सामाजिक कार्य उन्होंने कई सामाजिक सेवा गतिविधियाँ की जिनमें उन्हें छोटे बच्चे की कई हृदय शिल्प चिकित्सा में सहायता की वह बैल सवारी खेल के समर्थकों में से एक थे जल्लीकट्टू कट्टू के बाद 2017 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जनवरी 2017 में तमिलनाडु में एक विरोधी के प्रदर्शन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भोजन दवा और बुनियादी जरूरतें प्रदान की और तब तक उनका समर्थन करने का वादा किया विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा पिनाराई विजयन केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कोष के रूप में एक करोड़ रुपए दान करेंगे सेलवा राज जस्टिन पांडियन को उनके स्टेज नाम एस से जाना जाता है जय सूर्या एक भारतीय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक अभिनेता संगीतकार निर्माता और संगीत निर्देशक हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा वसंत और सभापति की सहायता की सूर्या ने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस सौ निन्यानवे में वाली से की जिसकी सफलता ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में कुशी नया शामिल है अम्बे आरू येरे और ईसाई उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत न्यू से की और कलवानीन कदली थिरुमगन व्याबारी और स्पाइडर मरसल में प्रतिपक्षी के रूप में दिखाई दिए फ़िल्मी करियर उन्नीस सौ नब्बे से दो हज़ार तीन प्रारंभिक करियर और सफलता अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्म स्थान के पास वासुदेवन लूर पुलियागुंडी तमिलनाडु एक पूरा करने के लिए चेन्नई चले गए लोयला कॉलेज से भौतिकी की डिग्री मदुरे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कुछ सफलता पाने की उम्मीद के साथ चेन्नई में ही रुके रहे तमिल फिल्मों के एक अभिनेता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने के के तहत प्रशिक्षु का प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले होटलों में और एक प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू कर दिया भाग्य राज बाद में उन्होंने वसंत और सुंदर पुरुष उन्नीस सभापति के अंतर्गत जबकि उन्हें एक अभिनेता के रूप में विशेष रूप से भारतीय राजा एस के झाकू चीमा येले उन्नीस सौ तिरानवे उल्लासम उन्नीस सौ सत्तानवे की टीम में काम करते हुए फिल्म के मुख्य अभिनेता अजीत कुमार ने सूर्या को आसाई में उनके सहयोग से पहचाना और एक स्क्रिप्ट के लिए कथन सुनना स्वीकार किया कथन से प्रभावित होकर अजीत ने बाद में एस से संपर्क करने में मदद की एस चक्रवर्ती ने फिल्म का निर्माण किया और टीम ने उन्नीस के अंत वाली उन्नीस सौ निन्यानवे पर काम शुरू कर दिया नया नौ जुलाई 2004 को मिश्र समीक्षाओं के साथ जारी किया गया है। तो हिंदू के आलोचक ने दावा किया कि एक ऐसी शैली से संबंधित जो हमारे सिनेमा के लिए दुर्लभ है नहीं हालांकि युगल और देवर्थी गीतों के दलदल दल में फंस जाती है लेकिन संकेत दिया गया संभावित सफलता का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्देशक लगता है कि उसके ठीक निशाने पर लगा दिया है बाद में यह फिल्म एक सफल फिल्म बन गई ब्लॉकबस्टर संगीत ए द्वारा आर रहमान को फिल्म के सबसे बड़े बिक्री बिंदुओं में से एक के रूप में लेबल किया जा रहा है नानी को अगले महीने समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म खराब स्क्रिप्ट और कृत्रिमता से ग्रस्त है फिल्म के वयस्क विषय पर विवाद उत्पन्न हुआ और रिलीज के बाद तमिलनाडु राज्य में महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया रिलीज़ के बाद एक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई जिसके बारे में उनका कहना है कि इसमें अश्लील सेक्स दृश्य थे सूर्या ने दावा करते हुए जवाब दिया कि सेक्स दृश्य इसलिए हैं क्योंकि कहानी के लिए उनकी आवश्यकता है और उन्होंने अपनी फिल्म को सेक्स और कॉमेडी से भरपूर काल्पनिक बताया अगस्त 2005 में मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म के लिए सेंसर प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और चेन्नई के पुलिस आयुक्त को सूर्या के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया यह फैसला सुनाते हुए कि फिल्म स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान नहीं करती है और यदि यह फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को रद्द नहीं करता है यह दावा करते हुए कि इसे मूल रूप से ए प्राप्त हुआ है तो वह अपने कर्तव्य में असफल होगा प्रमाण पत्र संदिग्ध परिस्थितियों में सूर्या को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान गुस्से में सेंसर बोर्ड की एक महिला अधिकारी का मोबाइल फेंकने के आरोप में शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बाद में उन्हें बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया मार्च 2006 में एक और मामला शुरू किया गया जिसमें सेंसर बोर्ड ने ख़िलाफ़ दर्ज की फिल्म से हटाए गए दृश्यों के चित्रों का उपयोग करने के लिए एक पोस्टर के साथ जिसमें सूर्या को सिमरन की दरार की सतह पर आराम करते हुए दिखाया गया था बाद में रिहा होने से पहले दूसरी बार गिरफ्तार किया गया उन्होंने न्यू की रिलीज के तुरंत बाद 2004 में ईसाई नामक एक फिल्म की घोषणा की ईसाई जबकि नामक दो अन्य उद्यमों के लिए भी सहयोग करेंगे ए जुम जाई बनाम चित्रा और अनबुल्ला नानबाने ए आर रहमान जब उसने खुलासा किया कि अनबुल्ला नानबाने को बेस्ट फ्रेंड शीर्षक अनबे आरू हीरे दो को अंतिम रूप दिए जाने से पहले खुद को फिर से मुख्य भूमिका में दिखाते हुए उन्होंने फ़िल्म के लिए नवागंतुक मीरा चोपड़ा को साइन किया और स्टेज नाम नीला के तहत उनका नाम बदल दिया उन्होंने खुलासा किया कि वह यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए थे ताकि यह बताया जा सके कि युवा प्रेमियों को एक दूसरे को जगह देनी चाहिए और वह यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय युवाओं का रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण पिछले दशक से बदल रहा है उन्होंने फिल्म को खुशी का सीक्वल बताया जिससे पता चला कि फिल्म की मुख्य भूमिका अभिनेताओं के बीच इसी तरह का अहंकार टकराव होगा जैसे नया सेंसर बोर्ड द्वारा कई कट्स पर जोर देने के कारण फिल्म को रिलीज से पहले बाधाओं का सामना करना पड़ा और सूर्या के चल रहे कानूनी झगड़े के कारण फिल्म में देरी हुई फिल्म को सितंबर 2005 में मिश्रित समीक्षाएं मिली साइफी डॉट कॉम ने इसे व्यस्क मनोरंजन का लेबल दिया हालांकि उन्होंने आगे कहा वह अपने किरदार शिव को जीवंत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन संवाद अदायगी और आवाज़ मॉड्यूलेशन के मामले में उन्हें मीलों चलना पड़ता है लेकिन नृत्य के मोर्चे पर उन्होंने काफ़ी सुधार किया है यह फिल्म तमिल फिल्मों में उनकी लगातार चौथी व्यावसायिक सफलता बन गई जिसमें सूर्य विवादों से उबलने में मदद करने के लिए अपने दल को धन्यवाद देने पर अड़े रहे और उस पर टीम प्रयास का लेबल लगाया सूर्या ने एक निर्देशकीय उद्धम एम एजुजुमाई एजुमाझाई बनाम चित्रा पर प्रोडक्शन का काम शुरू किया जो कि सिलंबर आसन और असन जनवरी 2005 में और टीम ने एक प्रमोशनल फोटोशूट से ली गई तस्वीरें जारी की हालांकि फिल्म जिसका निर्माण एस द्वारा किया जाना था एस चक्रवर्ती अंततः विकास करने में विफल रहे और इसमें शामिल लोग अलग अलग उद्यमों में चले गए इसके बाद सूर्या ने पुली नामक एक उद्यम पर काम शुरू किया जो एक पुलिस थ्रिलर थी जिसमें मुख्य भूमिका में अनवोदय अप्पाचन निर्माता होंगे 2005 के अंत में रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि असिन प्रमुख महिला भूमिका निभाएंगी जबकि सूर्या ने एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ साथ इस परियोजना को विकसित किया हालांकि 2006 की शुरुआत में सूर्या द्वारा स्क्रिप्ट में बदलाव करने से इनकार करने के बाद विजय इस परियोजना से बाहर हो गए जनवरी 2006 में ईसाई के वापस आने की सूचना मिली थी या तो इसके साथ चल रहा है 2007 से 2015 करियर में उतार चढ़ाव न्यू और आरू यीरे के साथ उनके अभिनय को मिले सकारात्मक स्वागत के बाद सूर्या ने निर्देशन से ब्रेक लेने का फैसला किया और अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय करने का विकल्प चुना उन्हें तमिल वन की कॉमेडी कलवानीन कथली 2006 में नयनतारा के साथ कैसानोवा की भूमिका में लिया गया था बियाबारी 2009 में मुख्य अभिनेता के रूप में संक्षिप्त तो वापसी की जिसे अच्छी समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत प्रदर्शन किया न्यूटोनिन मोन ड्रम विधि उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नामक एक और चल रहे उद्यम को बंद करने के लिए प्रेरित किया और सूर्या ने निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया पांडे गई दोनों फिल्मों की असफलता में उनके प्रदर्शन के लिए थिरुमगन इसी तरह आलोचकों ने कहा कि वह सिर्फ एक सीमित अभिनेता हैं जो केवल पहले भाग में सहजता से चलते हैं वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में किया था सूर्या को एक व्यवसाय के रूप में लिया गया था जो अपने परिवार की देखभाल करने और दोनों भूमिकाएं निभाने के लिए खुद का एक क्लोन बनाता है सूर्या के प्रदर्शन को के रूप में वर्णित किया गया था अपमानजनक चरम पर और जोर से और वादी वेलू नमिता तमन्ना पहली रिलीज है कि साइंस फिक्शन कॉमेडी शक्ति चिदम्बरम उन्होंने 2007 में अभिनेता के रूप में दो रिलीज़ हुई अंततः इसे औसत समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया सूर्या ने घोषणा की कि वह अपने निर्देशन वाली फिल्म पुली पर फिर से काम शुरू करेंगे लेकिन इसके बजाय से तेलुगु फिल्म के रूप में बनाएंगे और पवन कल्याण मुख्य भूमिका निभाएंगे सिंह नमाला रमेश द्वारा निर्मित व ए पर हस्ताक्षर किए गए आर रहमान ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि नवागंतुक निकेशा पटेल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया अभिनेत्री फिल्म को बनने में करीब तीन साल लगे और नियमित अंतराल पर देरी का सामना करना पड़ा फिल्म आखिरकार सितंबर 2010 में रिलीज हुई और इसे नकारात्मक समीक्षा मिली आलोचकों से साइफी डॉट कॉम के एक समीक्षक ने कहा फिल्म के साथ मुख्य समस्या यह है कि इसमें कोई विश्वसनीय कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है 2016 से वर्तमान हालिया कार्य और वापसी सफलता 2016 में सूर्य ने ड्रामा फिल्म एर में अभिनय किया एक शराबी और अपमानजनक निर्देशक के रूप में उनके प्रदर्शन को आलोचकों और दर्शकों दोनों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था बाद में सूर्या ने दो फिल्में साइन की और उनमें अभिनय किया स्पाइडर एक दिभाषी और मार्शल दोनों फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई जिगर ठंडा डबल एक्स दो हज़ार तेईस भारतीय है तमिल भाषा एक्शन ड्रामा फिल्म लिखित तो और निर्देशित कार्तिक सुब्बाराज और संयुक्त रूप से उनके द्वारा निर्मित कार्तिकेन संथानम एस आई कथी जैसन और अलंकार पांडियन स्टोन बेंच फिल्म फाइव स्टार क्रिएशंस और वेन्यू ऑरिजन के तहत यह फिल्म आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और पूर्व कड़ी है ठंडा और सितारे राघव लॉरेंस एसते सूर्य और निमिषा रसियन 1970 के दशक में स्थापित यह है एक आगामी पुलिसकर्मी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक फिल्म निर्माता के रूप में गुप्त रूप से जाकर एक गैंगस्टर को मारने की कोशिश कर रहा है फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त दो में स्थायी शीर्षक जगर ठंडा दो के साथ की गई थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने मदुरे में शुरू हुई और उसके बाद शेड्यूल बनाया गया संचालित और संपादन शफीक मोहम्मद अली द्वारा किया गया है तिरु छायांकन संतोष नारायणन जुलाई 2023 की शुरुआत में फिल्म का संगीत किसके द्वारा तैयार किया गया है रैप और थांडी कुड़ी जिगर थंडा डबल एक्स को 10 नवंबर 2023 दिवाली के सप्ताह में रिलीज किया गया था जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसके निर्देशन पटकथा कलाकारों के प्रदर्शन संगीत छायांकन उत्पादन मूल्यों संपादन भावनात्मक गहराई और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई कई आलोचक अगली कड़ी को पहले से बेहतर मानते हैं प्लॉट इस लेख का कथानक सारांश हो सकता है बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत जाने के स्टैम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है नवंबर 2023 अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें कृपया 1973 में डीएसपी एस रत्न कुमार को मुंबई में खोख्या हाथी शिकारी चट्टानी को पकड़ने का काम सौंपा गया है उन पुलिस चट्टानी के ठिकाने के बारे में स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार करती है भले ही वह स्वयं उसके शिकार हों। मद्रास में किरुबाकरन को एसआई तमिलनाडु पुलिस में वह अपनी मंगेतर लूडे को समाचार देने और एक कार्यक्रम में उसका प्रदर्शन देखने के लिए उसके कॉलेज जाता है लोर्डे ने बाद में किरु बाकरन को छात्रों के बीच पास की लड़ाई को रोकने के लिए मना लिया कुछ समय बाद बाकरन ने चार छात्रों की हत्या कर दी जो खून देख बेहोश हो गया लेकिन उसके हाथ में हथियार था इसके बाद बाकरन को जेल की सजा सुनाई गई उन्नीस सौ पिचहत्तर में निवर्तमान तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सिंग नई रानी ने हाल ही में कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की घोषणा की जिससे नए मुख्यमंत्री का चुनाव आवश्यक हो गया रत्ना के बड़े भाई जया कोड़ी एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार और सत्तारूढ़ एस एम डी के पार्टी के उभरते राजनेता हैं जो अगले मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं जया कोड़ी कोयम्बटूर रामनाड़ में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग रोके जाने से व्यथित हैं मदुरे और तिरुवनेलवेली अपने प्रतिद्वंदी के समर्थक द्वारा वित्त मंत्री कर्मेगम कर्मेगम जो अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में भी सबसे आगे है पूरे तमिलनाडु में एक छाया सिंडिकेट चलाते हैं जिया कोड़ी ने रत्ना से कर्मेगम का समर्थन करने वाले चार गैंगस्टरों को मारने का अनुरोध किया इससे कर्मेगम पार्टी के भीतर कम प्रभावशाली हो जाएंगे किरोन और तीन अन्य पूर्व पुलिस कैदियों का चयन करते हुए रचना उनमें से प्रत्येक को एक ही लक्ष्य देता है जिसमें किरूप आकरण का लक्ष्य जिगर ठंडा संभवम फैंस क्लब का प्रमुख एलियूस सीजर है और मदुरे में कर्मेगाम के समर्थक रत्ना ने वादा किया कि यदि वे अपने मिशन में सफल हो गए तो सभी चार पूर्व पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया जाएगा और बहाल कर दिया जाएगा लूढ़े से शादी करने और अपनी नौकरी वापस पाने की चाहत में किरूप आकरण कार्यभार स्वीकार करता है एक अभिनेता और कर्मे शिष्य चिन्ना के सुझाव पर सीजर ने एक ऐसे निर्देशक के लिए ऑडिशन आयोजित करने का फैसला किया जो अखिल भारतीय फिल्म ने उन्हें मुख्य भूमिका में लिया और उन्हें तमिल तो सिनेमा में पहले गहरे रंग वाले अभिनेता के रूप में पेश किया किरूप भाकरण सत्यजीत रे के छात्र और सहायक निर्देशक रेदासन का उपनाम धारण करता है और ऑडिशन में सफल हो जाता है किरूपाकरण ने सीजर के जीवन पर आधारित पांड्या क्लिंट का प्रबल प्रशंसक होने के नाते एक फिल्म बनाने की पेशकश की है ईस्टवुड सीजर रे की योजना से सहमत है फिल्म की शूटिंग के लिए किरू बाकरण ने सीजर का लाइव शूट किया वास्तविक जीवन में उस कैमरे का उपयोग करना जो ईस्टवुड ने कथित तौर पर सीजर को बाहर में दिया था जब वह उनके गांव में शूटिंग के लिए आया था किरू बाकरण को पता चलता है कि सीजर उसकी जनजाति का है जिस पर शिट्टानी का भूत सवार है सीजर अपनी पत्नी मले आरासी के गोद भराई के लिए अन्य तीन गैंगस्टरों और कर्मेगाम को आमंत्रित करता है पुलिस के लक्ष्यों में एक हिटलिस्ट को एक मोल द्वारा मार दिया जाता है सीजर अंततः किरुबाकरन को छोड़कर सभी मोल्स को ढूंढता है और मार डालता है किरुबाकरन को पता चला कि सीजर ही वह व्यक्ति था जिसने चार छात्रों पर हमला करने का आदेश दिया था जिसके लिए किरुबाकरन को बलि का बकरा बनाया गया था बदला लेने की चाहत में किरुबाकरन ने सीजर को अपने गांव का दौरा करने और शिट्टानी को इस बहाने से पकड़ने के लिए मना लिया किया जोड़ एक बेहतर बायोपिक बनाएगा गाँव में सीजर ने रचना रत्ना को आदिवासियों को रिहा करने के बदले में शेट्टानी को पकड़ने का वादा किया ग्रामीणों ने बताया कि उनकी संस्कृति में हाथियों का क्या महत्व है और कैसे वे शिकारियों के कारण जंगलों से खरा गायब हो रहे हैं सीजर और आदिवासियों ने चट्टानी के रोके हमले को विफल कर दिया और उन्हें मार डाला बचे हुए सदस्यों को पकड़ लिया जाता है और शेट्टानी के ठिकाने का खुलासा किया जाता है सीजर शेटानी का सामना करता है जो हाथियों का शिकार कर रहा है और लगभग मारा जाता है कि का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह सीजर के शरीर को इलाज के लिए गाँव ले जाकर उसे बचाता है स्वस्थ होने पर सीजर शेटानी से फिर से लड़ता है और उसे पकड़ लेता है वह उसे सिंगनी रानी की उपस्थिति में पुलिस को सौंप देता है जो उसके आग्रह पर आती है कि शेट्टिनी को सौंप दिया जाएगा कैदियों के रिहा होने पर ग्रामीण जश्न मनाते हैं और कि स्थानीय आदिवासी पिंगिली से शादी कर लेते हैं अब जब लंबे समय से प्रतीक्षित शांति आ गई सीजर और किरूपाकरण यह देख कर हैरान है कि शेटानी अभी भी हाथियों का शिकार कर रहा है शेट्टानी ने खुलासा किया कि यह सी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने वर्षों से उसका पालन पोषण किया है हालाँकि वह दो बिजनेस टाइकून की ओर से हाथी दांत की तस्करी कर सके उन्होंने रानी को प्रधानमंत्री के माध्यम से पैरवी चट्टानी ने यह भी खुलासा किया कि अधिकारियों ने सीजर को असली चट्टानी के रूप में लेबल करने और अंततः एक पुलिस ऑपरेशन में जनजाति का सफाया करने की योजना बनाई गोलीबारी में सीजर और मलैरासी सहित सभी ग्रामीणों की मौत हो जाती है नरसंहार का फिल्मांकन करने वाला किरू बाकरण और सीजर के साथ भागने की कोशिश करता है नवजात बच्चा लेकिन फायरिंग में उन्हें गोली लग गई जया कोड़ी को अगला सीएम उम्मीदवार माना जा रहा है और कर्मेगाम को कैबिनेट से हटा दिया गया है कर्मेगाम जो कि रूपाकरण के फुटेज के टेप को सुरक्षित करने का प्रबंधन करता है सीजर को श्रद्धांजलि के रूप में से एक खचाखच भरे थिएटर में चलाता है जहाँ जया कोड़ी की फिल्म चलनी थी दर्शक सीजर के बारे में सीखते हैं जीवन और आदिवासियों का सरकार के नेतृत्व में नरसंहार और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू आदिवासियों का नरसंहार केंद्र सरकार में ऊपर तक पहुंच गया है अंतिम उपाय के रूप में सीएम रत्ना और उसके लोगों को थिएटर में कर्मेगाम को मारने के लिए भेजता है लेकिन रत्ना के रूपाकरण को देखकर चौंक जाता है जो वास्तव में जीवित है तिंगली और सीजर के साथ नवजात पुत्र के रूपाकरण ने रत्ना को मार डाला जबकि कर्मेगाम और उसके सहयोगियों ने उसके लोगों को खत्म कर दिया मध्य क्रेडिट दृश्य में किरुभाकरण मलया राशि और सीजर के साथ रहने के लिए घर लौटता है बेटा जहाँ और किरुबाकरन ने उसका नाम सेतु रखा है मलया राशि की देवी सेतु काली अम्मा की मुन्नत के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति गुप्त रूप से पिंगिली और सेतु का पीछा करता है जहाँ वह कार में बैठे अन्य व्यक्ति से कहता है कि वे सीजर के अंतिम शेष सदस्य को खत्म कर देंगे उत्पादन विकास और कास्टिंग अप्रैल 2022 की शुरुआत में बताया गया कि कार्तिक सुब्बाराज अपनी पत्नी फिल्म के सिक्वल पर काम शुरू करने जा रहे हैं जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा आगे बताया गया कि इसे करण अले राजा द्वारा लाइका प्रोडक्शंस के तहत वित्त पोषित किया गया था राघव लॉरेंस मुख्य भूमिकाओं में से एक होंगे जबकि बॉबी सिमा होंगे मूल फिल्म से उनकी भूमिका को फिर से दोहराएं एक अगस्त को जिगर ठंडा की रिलीज़ के आठ साल पूरे हो गए हैं परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई अस्थाई शीर्षक जिगर ठंडा दो है जो सूर्या को फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म में एक भूमिका निभाने की सूचना मिली थी संतोष नारायणन को संगीतकार के रूप में चुना गया जिन्होंने जिगर ठंडा में भी संगीत दिया था इकतीस अगस्त को विनयगर चतुर्थी पर सुब्बाराज ने साझा किया कि जिगर ठंडा का प्री प्रोडक्शन जिगर थंडा डबल एक्स की घोषणा एक प्रचार वीडियो के साथ की गई 11 दिसंबर को शीर्षक पर काम किया गया था शफीक मोहम्मद अली फिल्म के संपादक के रूप में शामिल हुए मरकरी और पेट्टा ने किया जो इससे पहले राज की तिरु सहांकन का संचालन उन्होंने आगे कहा कि फिल्म का अपने पूर्ववर्ती से कोई संबंध नहीं होगा और इसमें एक ताज़ा कथा शुरू हो गई है फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी बारह दिसंबर 2022 को मदुरई में शुरू हुई फिल्मांकन केरल और तमिलनाडु के विदेशी स्थानों में हुआ जुलाई 2023 में समाप्ति फिल्मांकन डिजिटल रूप से निर्मित फिल्म में दिखाई देते हैं क्लिंट इस्टूड अभिनेता का अभ्यास किया सिल्बा उनके लड़ाई दृश्यों को फिल्माते समय अभिनेता विदु जिन्होंने उनमें से एक का किरदार निभाया था प्रतिपक्षी सट्टानी को एक जानवर की तरह लड़ने के लिए कहा गया था और उन्होंने इसके लिए जिमनास्टिक और के पास एक सेट बनाया गया था जहाँ फिल्म के प्रमुख हिस्से फिल्म आए गए कोड़ाई कनाल थांडी कुड़ी फिल्म की सेटिंग से मेल खाने के लिए कई व्यापक सेट बनाए गए तमिल गार्जियन के कृष्णा सेल सिल्व ने पाँच में से साढ़े चार स्टार दिए और कहा सुब्बा राज ने शायद अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी है फिल्म हर विभाग में अपनी पहली किश्त से बेहतर है पिंक वेला ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा जगह ठंडा डबल एक्स सिनेमाघरों में अवश्य देखी जानी चाहिए यह उत्कृष्ट लेखन प्रदर्शन संगीत और छायांकन के साथ एक संपूर्ण सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है अत्यधिक रन टाइम के बावजूद फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को संतुष्ट करेगी पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा कार्तिक सुब्बाराज समाज के प्रति सिनेमा की जिम्मेदारी को उजागर करते हुए गतिशील दृश्यों को और मजबूत प्रदर्शन के साथ एक आकर्षक सिनेमाई अनुभव प्रदान करते हैं जिंदगी द इंडियन एक्सप्रेस के के रूभाकर पुरुषोत्तम ने दिया पाँच में से साढ़े तीन और लिखा कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है यह सभी का जैक और एक का राजा है बेहद मनोरंजक मेटा सिनेमा जन्नी के इंडिया टुडे ने पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और लिखा जिगर थंडा डबल एक्स जो अब तक की उनकी सबसे राजनीतिक और हृदय स्पर्शी फिल्म बन गई है और वास्तव में जिगर ठंडा का डबल एक्स है पैगेटिव वेस्टर्न की आत्मा और जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बा राज की सबसे दिल छू लेने वाली फिल्म है राघव लॉरेंस और एस जे सूर्य अभिनेत कार्तिक सुब्बाराज की पांड्या वेस्टर्न फिल्म 2014 की जिगर ठंडा डबल एक्स ने लिखा द हिंदू के भुवनेश चंद्र थोड़ी पश्चिमी फिल्म है लेकिन काउबॉय की बजाय हमारे पास स्थानीय गैंगस्टर हैं उनकी पसंद का हथियार चाहे वह कैमरा हो या बंदूक जिगर थंडा डबल एक्स की प्रियंका सुंदर पाँच में से तीन स्टार दी और लिखा फर्स्ट पोस्ट को दोहराने की कोशिश करता है थोड़ा लेकिन कम रह जाता है उस उपलब्धि को हासिल करने का जिगर ठंडा ईमानदारी से जिगर ठंडा डबल एक्स ने पाँच में से तीन स्टार दिए और लिखा कार्तिक सुब्बाराज एक बार फिर सिनेमा की प्रभावशाली शक्ति का पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मजबूत इरादों और एड्रेनालाइन पंपिंग क्षणों के बावजूद कथा हार जाती है मध्यांतर के बाद उसकी एकजुटता अंत में टाइम्स ऑफ इंडिया कार्तिक सुब्बाराज के अब तक के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है और फिल्म निर्माता को वापस फॉर्म में देख वाकई खुश हो रही है द विक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने पाँच में से दो स्टार दी और लिखा दूसरी किस्त भी यह गैंगस्टर के साथ फिल्म निर्माण के इर्द गिर्द विकसित होती है यदि अपने जिगर ठंडा का पहला अध्याय देखा है और सुब्बा राज के कुछ बड़ी उम्मीद की है तो आपको निराशा होने की संभावना है द न्यूज़ मिनट के भारती सिंगार वेल ने लिखा जिगर थंडा डबल एक्स कार्तिक के राजनीतिक विचारों की एक पीड़ादायक घोषणा है जो लगभग तीन घंटे लंबी है जिसमें फिल्म निर्माण के उनके पुराने ब्रांड के कुछ तत्व अभी भी शामिल हैं यदि कार्तिक सुब्बा राज का मानना है कि सिनेमा राजनीतिक परिवर्तन का एक साधन है तो उन्हें सतह इशारों की तुलना में इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है जो कुछ तालियां बटोर सकते हैं क्लिंट ईस्टवुड ने अपनी चल रही प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद फिल्म देखने की इच्छा व्यक्त की राघव लॉरेंस जन लॉरेंस मुरगैया एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर निर्देशक और अभिनेता हैं जिन्हें इसके लिए जाना जाता है उनका काम मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में है उन्नीस में एक नृत्य कोरियोग्राफर के रूप में अपनी शुरुआत करने के बाद उन्होंने अभिनय के अवसरों की तलाश शुरू कर दी उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत उन्नीस में एक तेलुगु फिल्म से की उन्होंने राघव नाम अपनाया दो में और अपने पूरे करियर में तमिल सिनेमा में कई प्रमुख अभिनेताओं और निर्देशकों के लिए काम किया उन्हें सफलता तेलुगु फिल्म स्टाइल और फिल्मुनि से मिली लॉरेंस को उनके जटिल हिपहॉप और पश्चिम डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है 2015 में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद पी जे अब्दुल कलाम लॉरेंस ने उनके नाम पर एक चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना की और रुपये एक करोड़ दान किया प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि लॉरेंस का जन्म भाषी ईसाई परिवार में हुआ था मुर्गैया और कनमनी का परिवार लॉरेंस जब बच्चा था तो उसे ब्रेन ट्यूमर था वह अपने ट्यूमर के ठीक होने का श्रेय देवता राघवेंद्र स्वामी और एक कार्य में भक्ति वह राघव नाम लिया करियर प्रारंभिक करियर उन्नीस से 2001 वह फाइट मास्टर सुपर सुबर नारायण के लिए कार क्लीनर के रूप में काम कर रहा था नृत्य दृश्यों में भी दिखाई दिए 2001 में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया पार्थले पर वस्म ने उन्हें अपनी सौवीं फिल्म के बालचंद्र निर्देशक दो हजार पार्थेन रसीथेन प्रशांत और उन्नाई कोडु एन्नाई थारूवेन अजीत कुमार इसके बाद उन्होंने तमिल में वह फिल्म फ्लॉप रही थी उन्नीस सौ निन्यानवे में नायक की भूमिका की पेशकश की स्पीड डांसर निर्माता टी वी डी प्रसाद ने उन्हें अपने उद्यम उन्नीस सौ सत्तानवे के लिए नृत्य कोरियोग्राफ करने के लिए कहा मास्टर उन्नीस सौ सत्तानवे के लिए नृत्य कोरियोग्राफ करने का काम किया लॉरेंस के काम से प्रसन्न होकर चिरंजीवी ने उन्हें अपनी अगली फिल्म हिटलर ने उन्हें चिरंजीवी अल्लारी प्रियुडू और उन्नीस सौ तिरानवे मोता मैस्थरी वह उन्नीस सौ तिरानवे के गाने चिक्कू बुक्कू चिक्कू बुक्कू रैली में बैकग्राउंड डांसर थे जेंटलमैन प्रभु देवा में दिखाई दिए डोंगा पुलिस के गाने में दिखाई दिए फिर वह उन्नीस सौ इक्यानवे में संसार संगीतम लॉरेंस पहली बार उन्नीस में टी राजेंद्रन द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म ने उन्हें डांस करते देखा और डांसर्स यूनियन में शामिल होने में उनकी मदद की करियर स्थापित करना 2002 से 2010 उन्होंने अरपुदम दो 2002 के साथ तमिल में पहली मुख्य भूमिका निभाई जैसा कि समीक्षा साइफी द्वारा बताया गया है इस पंक्ति में नवीनतम लॉरेंस है जो अपने पूर्ववर्ती प्रभुदेवा की तरह हीरो बनने के लिए कृत संकल्प है अपूर्तम की पटकथा अच्छी है और लॉरेंस एनिय है, है इसके बाद शैली 2002 उन्होंने तमिल फिल्म थिरुमलाई में विजय के साथ अतिथि भूमिका भी निभाई फिल्म थिएट्रल में अतिथि भूमिका के बाद उन्होंने तेलुगु में अपनी पहली फिल्म मास फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही ज्योतिका और नागार्जुन बाद में उन्होंने स्टाइल 2006 का निर्देशन और अभिनय किया जिसमें प्रभु देवा प्रभु देवा के साथ सह अभिनय किया को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया इरुम्बु कोकोटई मोराटू सिंगम और राजाधी राजा जबकि को माध्यम सफलता मिली पंडी इरुम मोरट्टू सिंगम सहित मोराटू सिंगम और राजाधी राजा, राजा जबकि को मध्यम सफलता मिली पंडी मुक्टोई मोराटू सिंगम और राजाधी राजा पंडी राघव ने अलग अलग श्रेणियों की फिल्मों में काम करना जारी रखा जैसे कि अभिनय किया राघव ने दूसरी भूमिकाओं में अभिनय किया और केवल शैली और तकनीकी पहलुओं के आधार पर फिल्म बनाई फिल्म को औसत प्रतिक्रिया मिली अनुष्का शेट्टी और नागार्जुन अर्जुन दो का निर्देशन किया फिल्म में डॉन इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म से मिली जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी मुनि शामिल है भूमिकाएं उन्हें अपनी सफलता चिरंजीवी और नागार्जुन और अतिथि में बाद का करियर 2011 से वर्तमान वह श्रृंखला लेता है मुनि में कंचना 2011 हज़ार ग्यारह कुमार मुख्य भूमिका में है फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म रिबेल प्रभास और तमन्ना उन्होंने कंचना दो में अभिनय किया 2017 में उन्होंने एक एक्शन मसाला फिल्म मोटा शिवा केट्टा शिवा में अभिनय किया साइफी ने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया बेवकूफ जोरदार और बिना दिमाग वाला फिर हॉरर शैली का एक और शिवलिंग एक कन्नड़ समान नाम वाली भाषा पी द्वारा निर्देशित वासु निर्देशक के बेटे शक्ति वासुदेवन ने भी दो संस्करणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कहानी एक पुलिसकर्मी की है जो एक मुस्लिम की संदिग्ध मौत की जांच कर रहा है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पर उस युवक का भूत सवार हो गया है 10 नवंबर 2023 को फिल्म जिगर ठंडा डबल एक्स जिसमें अभिनेता राघव लॉरेंस और एस जे सूर्या मुख्य भूमिका में थे रिलीज हुई मूल फिल्म की अगली कड़ी जिगर ठंडा। सामाजिक कार्य उन्होंने कई सामाजिक सेवा गतिविधियाँ की जिनमें उन्हें छोटे बच्चे की कई हृदय शिल्प चिकित्सा में सहायता की वह बैल सवारी खेल के समर्थकों में से एक थे जल्लीकट्टू कट्टू के बाद 2017 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जनवरी 2017 में तमिलनाडु में एक विरोधी के प्रदर्शन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भोजन दवा और बुनियादी ज़रूरतें प्रदान की और तब तक उनका समर्थन करने का वादा किया विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा पिनाराई विजयन केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कोष के रूप में एक करोड़ रुपए दान करेंगे सेलवा राज जस्टिन पांडियन को उनके स्टेज नाम एस से जाना जाता है जय सूर्या एक भारतीय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक अभिनेता संगीतकार निर्माता और संगीत निर्देशक हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा वसंत और सभापति की सहायता की सूर्या ने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस में वाली से की जिसकी सफलता ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में खुशी नया शामिल है अम्बे आरू येरे और ईसाई उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत न्यू से की और कलवानीन, कदली थिरुमगन व्याबारी और स्पाइडर मर्सल में प्रतिपक्षी के रूप में दिखाई दिए फ़िल्मी करियर उन्नीस से प्रारंभिक करियर और सफलता अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्म स्थान के पास वासुदेवन लूर पुलियागुंडी तमिलनाडु एक पूरा करने के लिए चेन्नई चले गए लोयला कॉलेज से भौतिकी की डिग्री मदुरे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिलने के बावजूद उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कुछ सफलता पाने की उम्मीद के साथ चेन्नई में ही रुके रहे तमिल फिल्मों के एक अभिनेता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने के के तहत प्रशिक्षु का प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले होटलों में और एक प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू कर दिया भाग्य राज बाद में उन्होंने वसंत और सुंदर पुरुष उन्नीस में सभापति के अंतर्गत जबकि उन्हें एक अभिनेता के रूप में विशेष रूप से भारतीय राजा एस के झाकू चीमा येले उन्नीस सौ तिरानवे उल्लासम उन्नीस सौ की टीम में काम करते हुए फिल्म के मुख्य अभिनेता अजीत कुमार ने सूर्या को आसाई में उनके सहयोग से पहचाना और एक स्क्रिप्ट के लिए कथन सुनना स्वीकार किया कथन से प्रभावित होकर अजीत ने बाद में एस से संपर्क करने में मदद की एस चक्रवर्ती ने फिल्म का निर्माण किया और टीम ने उन्नीस के अंत वाली उन्नीस पर काम शुरू कर दिया नया नौ जुलाई 2004 को मिश्र समीक्षाओं के साथ जारी किया गया है। तो हिंदू के आलोचक ने दावा किया कि एक ऐसी शैली से संबंधित जो हमारे सिनेमा के लिए दुर्लभ है नहीं हालांकि युगल और देवर्थी गीतों के दलदल दल में फंस जाती है लेकिन संकेत दिया गया संभावित सफलता का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्देशक लगता है कि उसके ठीक निशाने पर लगा दिया है बाद में यह फिल्म एक सफल फिल्म बन गई ब्लॉकबस्टर संगीत ए द्वारा आर रहमान को फिल्म के सबसे बड़े बिक्री बिंदुओं में से एक के रूप में लेबल किया जा रहा है नानी को अगले महीने समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा मिली एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म खराब स्क्रिप्ट और कृत्रिमता से ग्रस्त है फिल्म के वयस्क विषय पर विवाद उत्पन्न हुआ और रिलीज के बाद तमिलनाडु राज्य में महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया रिलीज़ के बाद एक फ़िल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई जिसके बारे में उनका कहना है कि इसमें अश्लील सेक्स दृश्य थे सूर्या ने दावा करते हुए जवाब दिया कि सेक्स दृश्य इसलिए हैं क्योंकि कहानी के लिए उनकी आवश्यकता है और उन्होंने अपनी फिल्म को सेक्स और कॉमेडी से भरपूर काल्पनिक बताया अगस्त 2005 में मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म के लिए सेंसर प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और चेन्नई के पुलिस आयुक्त को सूर्या के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया यह फैसला सुनाते हुए कि फिल्म स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान नहीं करती है और यदि यह फिल्म के सेंसर प्रमाण पत्र को रद्द नहीं करता है यह दावा करते हुए कि इसे मूल रूप से ए प्राप्त हुआ है तो वह अपने कर्तव्य में असफल होगा प्रमाण पत्र संदिग्ध परिस्थितियों में सूर्या को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान गुस्से में सेंसर बोर्ड की एक महिला अधिकारी का मोबाइल फेंकने के आरोप में शहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बाद में उन्हें बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया मार्च 2006 में एक और मामला शुरू किया गया जिसमें सेंसर बोर्ड ने ख़िलाफ़ दर्ज की फिल्म से हटाए गए दृश्यों के चित्रों का उपयोग करने के लिए एक पोस्टर के साथ जिसमें सूर्य को सिमरन की दरार की सतह पर आराम करते हुए दिखाया गया था बाद में रिहा होने से पहले दूसरी बार गिरफ्तार किया गया उन्होंने न्यू की रिलीज़ के तुरंत बाद 2004 में ईसाई नामक एक फिल्म की घोषणा की ईसाई जबकि नामक दो अन्य उद्यमों के लिए भी सहयोग करेंगे ए जाई बनाम चित्रा और अनबुल्ला नानबाने ए आर रहमान जब उसने खुलासा किया कि अनबुल्ला नानबाने को बेस्ट फ्रेंड शीर्षक अनबे आरू हीरे दो को अंतिम रूप दिए जाने से पहले खुद को फिर से मुख्य भूमिका में दिखाते हुए उन्होंने फ़िल्म के लिए नवागन तुक मीरा चोपड़ा को साइन किया और स्टेज नाम नीला के तहत उनका नाम बदल दिया उन्होंने खुलासा किया कि वह यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए थे ताकि यह बताया जा सके कि युवा प्रेमियों को एक दूसरे को जगह देनी चाहिए और वह यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय युवाओं का रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण पिछले दशक से बदल रहा है उन्होंने फिल्म को खुशी का सीक्वल बताया जिससे पता चला कि फिल्म की मुख्य भूमिका अभिनेताओं के बीच इसी तरह का अहंकार टकराव होगा जैसे नया सेंसर बोर्ड द्वारा कई कट्स पर जोर देने के कारण फिल्म को रिलीज से पहले बाधाओं का सामना करना पड़ा और सूर्या के चल रहे कानूनी झगड़े के कारण फिल्म में देरी हुई फिल्म को सितंबर 2005 में मिश्रित समीक्षाएं मिली। साइफ़ी डॉट कॉम ने इसे वयस्क मनोरंजन का लेबल दिया हालांकि उन्होंने आगे कहा वह अपने किरदार शिव को जीवंत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन संवाद अदायगी और आवाज़ मॉड्यूलेशन के मामले में उन्हें मीलों चलना पड़ता है लेकिन नृत्य के मोर्चे पर उन्होंने काफ़ी सुधार किया है यह फिल्म तमिल फिल्मों में उनकी लगातार चौथी व्यावसायिक सफलता बन गई जिसमें सूर्य विवादों से उबलने में मदद करने के लिए अपने दल को धन्यवाद देने पर अड़े रहे और उस पर टीम प्रयास का लेबल लगाया सूर्या ने एक निर्देशकीय उद्धम एम एजुजुमाई एझुमाझाई बनाम चित्रा पर प्रोडक्शन का काम शुरू किया जो कि सिलंबर आसन और असन जनवरी 2005 में और टीम ने एक प्रमोशनल फोटोशूट से ली गई तस्वीरें जारी की हालांकि फिल्म जिसका निर्माण एस द्वारा किया जाना था एस चक्रवर्ती अंतता विकास करने में विफल रहे और इसमें शामिल लोग अलग अलग उद्यमों में चले गए इसके बाद सूर्या ने पुली नामक एक उद्यम पर काम शुरू किया जो एक पुलिस थ्रिलर थी जिसमें मुख्य भूमिका में अनवोदय अप्पाचन निर्माता होंगी 2005 के अंत में रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि असिन प्रमुख महिला भूमिका निभाएंगी जबकि सूर्या ने एक अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ साथ इस परियोजना को विकसित किया हालांकि 2006 की शुरुआत में सूर्या द्वारा स्क्रिप्ट में बदलाव करने से इनकार करने के बाद विजय इस परियोजना से बाहर हो गए जनवरी 2006 में ईसाई के वापस आने की सूचना मिली थी या तो इसके साथ चल रहा है 2007 से 2015 करियर में उतार चढ़ाव। न्यू और वे आरू यीरे के साथ उनके अभिनय को मिले सकारात्मक स्वागत के बाद सूर्या ने निर्देशन से ब्रेक लेने का फैसला किया और अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय करने का विकल्प चुना उन्हें तमिल वन नान की कॉमेडी कलवानीन कथली 2006 में नयनतारा के साथ कैसा नोवा की भूमिका में लिया गया था बियाबारी दो में मुख्य अभिनेता के रूप में संक्षिप्त तो वापसी की जिसे अच्छी समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत प्रदर्शन किया न्यूटोन मोन ड्रम विधि उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर नामक एक और चल रहे उद्यम को बंद करने के लिए प्रेरित किया और सूर्या ने निर्देशन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया पांडे गई दोनों फिल्मों की असफलता में उनके प्रदर्शन के लिए थिरुमगन इसी तरह आलोचकों ने कहा कि वह सिर्फ एक सीमित अभिनेता हैं जो केवल पहले भाग में सहजता से चलते हैं वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में किया था सूर्या को एक व्यवसाय के रूप में लिया गया था जो अपने परिवार की देखभाल करने और दोनों भूमिकाएँ निभाने के लिए खुद का एक क्लोन बनाता है सूर्या के प्रदर्शन को के रूप में वर्णित किया गया था अपमानजनक चरम पर और जोर से और वादी वेलू नमिता तमन्ना पहली रिलीज है कि साइंस फिक्शन कॉमेडी शक्ति चिदम्बरम उन्होंने 2007 में अभिनेता के रूप में दो रिलीज हुई अंततः इसे औसत समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया सूर्या ने घोषणा की कि वह अपने निर्देशन वाली फिल्म पुली पर फिर से काम शुरू करेंगे लेकिन इसके बजाय से एक तेलुगु फिल्म के रूप में बनाएंगे और पवन कल्याण मुख्य भूमिका निभाएंगे सिंह नमाला रमेश द्वारा निर्मित व ए पर हस्ताक्षर किए गए आर रहमान ने फिल्म का संगीत तैयार किया जबकि नवागंतुक निकेशा पटेल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया अभिनेत्री फिल्म को बनने में करीब तीन साल लगे और नियमित अंतराल पर देरी का सामना करना पड़ा फिल्म आखिरकार सितंबर 2010 में रिलीज़ हुई और इसे नकारात्मक समीक्षा मिली आलोचकों से साइफी डॉट कॉम के एक समीक्षक ने कहा फिल्म के साथ मुख्य समस्या यह है कि इसमें कोई विश्वसनीय कहानी या स्क्रिप्ट नहीं है 2016 से वर्तमान हालिया कार्य और वापसी सफलता 2016 में सूर्य ने ड्रामा फिल्म एर में अभिनय किया एक शराबी और अपमानजनक निर्देशक के रूप में उनके प्रदर्शन को आलोचकों और दर्शकों दोनों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था बाद में सूर्या ने दो फिल्में साइन की और उनमें अभिनय किया स्पाइडर एक दिभाषी और मार्शल दोनों फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई